हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. दिस इज नैन्सी जायसवाल फ्रॉम बेदी एकता संघ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू ऑन कम्प्लीशन ऑफ 1 ईयर एट बेदी एकता संघ. आज बेदी एकता संघ अपना फर्स्ट फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहा है. हमने अपने 1 साल में हर तरह के लॉ स्टूडेंट्स की हेल्प करी है, बीट इंटर्नशिप्स, एडमिशंस के बारे में हर तरह का अपडेट देने से लेके उनकी फिजिकली एंड फाइनेंशियली भी हेल्प करी है. इन 1 साल में बेदी एकता संघ ने सेमिनार्स करवाए, कॉम्पिटिशन्स करवाए, इंटर्नशिप प्रोग्राम भी करवाए. आज हम सबसे 80,000 से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं. तो इसी कड़ी में बेदी एकता संघ अब जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए कुछ प्लान किया है और आज के दिन उस चीज को सफल बनाने के लिए हम सब गवाह बनने वाले हैं. तो गाइस, आज बेदी एकता संघ सफर नाम के सीरीज शुरू करने जा रहा है जिसमें कई एपिसोड्स करते हूँ. हम ऐसे गेस्ट को इनवाइट करेंगे जिनका हाल ही में सिलेक्शन हुआ है. तो आज हम सबके बीच PCSJ यूपी PCSJ रैंक 1 होल्डर मिस निशी गुप्ता मैम हैं. आज हम सब मैम से जानेंगे कि ये सक्सेस उन्होंने कैसे हासिल की. आज हम सब मैम की सक्सेस स्टोरी एंजॉय कर रहे हैं. तो आज मैम से जानने की कोशिश करेंगे कि असल में इस सक्सेस स्टोरी के पीछे क्या स्ट्रगल रहा है. वी आर सो हैप्पी टू हैव यू हियर मैम. थैंक यू सो मच नैन्सी. मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस मैम. कांग्रेचुलेशंस टू यू टू फॉर फर्स्ट फाउंडेशन डे. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच फॉर द विशेस. मैम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपकी रैंक 1 आई है यूपी पीसीएस में, ये बहुत ही बड़ी बात है. तो मैम, जब आपका ये रिजल्ट आया था, जब आपने खोल के देखा, तो वो 10-15 मिनट का क्या माहौल था आपके घर में? एक्चुअली रिजल्ट रक्षाबंधन के दिन आया था. उस दिन रक्षाबंधन सेलिब्रेशन चल रहा था, तो घर में मेरे ऑलरेडी मेरे सारे रिलेटिव्स वगैरह थे. अराउंड 3 o'clock हम लोगों को पता चल गया था कि रिजल्ट आ जाने वाला है और वो किसी भी टाइम पर आ सकता है. तो मैं उसके बाद से बैठ के साइट रिफ्रेश करी थी बार बार कि कब रिजल्ट आए. जब एग्जैक्टली रिजल्ट आया, मैंने PDF खोला और मैंने देखा, मुझे ज्यादा स्क्रॉल नहीं करना था, ऊपर ही मेरा नाम था. पहले मुझे लगा कि जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं तो वो प्रैंक कर रहे हैं, कुछ ऐसा चल रहा है, क्योंकि सबको पता था कि रिजल्ट आने वाला है. फिर मैंने फोन किया, मैंने कन्फर्म किया और उसके बाद फिर मैंने दोबारा से चेक किया, तो मुझे लगा नहीं, हाँ ये ठीक है. वही है कि वो बात, लेकिन डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगा. उस समय सारे फैमिली मेंबर्स वहां पर थे, तो वही है कि वो सेलिब्रेशन डबल हो गया, क्योंकि उस समय पे हम लोग रक्षाबंधन के लिए 15 मिनट तक सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है. खैर, ये बात थिंकिंग करने में तो मुझे बहुत टाइम लगा है. अब ये है कि हाँ, अब रैंक 1 आ गई, अब ये चीज फील हो पा रही है, लेकिन वो अलग ही माहौल था. तो मैम, आपने कभी सोचा था, लाइक जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपने सोचा था कि रैंक 1 आपकी आएगी? कभी नहीं यार. बस ये होता है ना कि आप प्रिपेयर करते समय ये सोच रहे होते हैं कि बस जितनी सीट है, 303 सीट है ना, तो लास्ट भी आ जाए, बस लिस्ट में नाम आए, कि जब आप PDF में अपना नाम सर्च कर रहे हो तो वो उस जगह पर दिख जाए. ये बहुत बस यही बना रहे थे. रैंक 1 कुछ नहीं कह सकते. बहुत खुशी की बात है मैम. वी आर लाइक वेरी हैप्पी टू हैव यू. मैम, सबसे बड़ा डर जो मैं जानना चाहूंगी कि जब कोई भी प्रिपरेशन शुरू करता है तो सबसे बड़ा डर क्या आता है, कौन से ऐसी मिसकॉन्सेप्ट होता है लोगों को PCSJ की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले? देखो, सबसे पहला डर अगर मैं कहूंगी यही चीज है कि जैसे आप सोच भी लेते हैं कि आपको जुडिशियल ऑफिसर बनना है, आप अप्रोच करते हैं एग्जाम को, सबसे पहली यही चीज होती है कि हम किस तरीके से उसको अप्रोच करें, क्योंकि आप इतना आप लॉ पढ़ रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मगर एक एग्जाम ओरिएंटेड वे में पढ़ना और किस डायरेक्शन में आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है. सेकेंडली, एग्जाम की वैकेंसीज क्या है, नहीं आती टाइम पर, कोई फिक्स टाइम नहीं है. जैसे UPSC है तो आपको पता है कि आपका पेपर हर साल होना है, इस मंथ में ये पेपर होना है, इस मंथ में ये पेपर होता है, तो वो एक सर्टेनिटी आपके दिमाग में रहती है. आपको पता है कि कितने टाइम पीरियड में मुझे शेड्यूल बनाना है, कि अगर अभी से मैं 6 महीने या 1 साल का शेड्यूल बना के पढ़ूं तो नेक्स्ट ईयर मैं एग्जाम दे लूंगा. इसमें क्या होता है, आपको नहीं पता वैकेंसी कब आनी, आप किस हिसाब से शेड्यूल बनाए, कितने मंथ्स लेके चले या कितना टाइम लेकर चले. तो भाई, एक एग्जाम को अप्रोच कैसे करना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब भी आपको एग्जाम अप्रोच करने जाए. और मैम, सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट क्या है PCSJ को लेके? अब जैसे देखिए, मुझे भी ये लगता है कि जैसे मेरे दिमाग में मेरा क्या था कि मैं पढ़ने में, मतलब मैं अपने कॉलेज में ठीक थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि जब भी एग्जाम होगा मैं पढ़ूंगी और क्लियर कर लूंगी, मैं पूरी मेहनत करूंगी और ये. लेकिन सिर्फ आपका पढ़ना ही ये नहीं होता कि आपका एग्जाम निकल जाएगा. वो कॉन्फिडेंस वाली जो फीलिंग होती है ना, एक कॉन्फिडेंट आप बन के चलते हैं, वो चीज नहीं होती, क्योंकि एग्जाम बहुत ही अनसर्टेन है. वहां पे एग्जाम में क्या होगा कैसे, सिर्फ आपकी मेहनत ही काम नहीं करती. मुझे लगता है कि आपकी मेहनत, लक, सारी चीजें मिक्स होती हैं,
तो आप इस उस पे लेके चलिए कि आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे। जैसे मैंने यूपी के पहले एमपी और राजस्थान दिया था, तो जी जब सबसे पहला मेरा एमपी था तो मैं एमपी में बहुत श्योर थी कि मेरा हो जाएगा, मैंने सब पढ़ा है, मैंने सारा प्रिपरेशन किया है, इतना ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंस था कि हाँ हो जाएगा, पढ़ने में तेज होना चाहिए बस। लेकिन ऐसा नहीं रहता, एग्जाम आपसे डिफरेंट तरीके की चीजें, जैसे इंटरव्यू ही मेरा स्पेशली फंसा है, तो अब इंटरव्यू में ये रहता है कि आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं करते या फिर आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं, ये सारी चीजें रहती हैं। मगर आप इतना ओवर कॉन्फिडेंट होकर मत चलिए कि हाँ मतलब मैं पढ़ने में अच्छी हूँ तो मैं क्लियर कर लूंगी, इस तरीके की चीज नहीं होती। और वही बात है कि जुडिशियल ऑफिसर, सेकेंडली आपको, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको जर्नी में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। जी अगर आपका कोई इंटरनल मोटिवेशन हो तभी आप जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहते हो, खुद से आपकी वो पर्सनल चॉइस हो तभी आप उसको अप्रोच करें, वरना मत करिए। क्योंकि ये होता है बहुत लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन करनी है, अगर आपका कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन होगा ना वो खत्म हो जाएगा, आपका कोई इंटरनल मोटिवेशन होगा वही आपको इतने लॉन्ग टर्म तक पढ़ने की, मेहनत करते रहने के लिए कैपेबिलिटी देगा। तो जब आप अपने खुद से चाहते हो कि आपको जुडिशियल ऑफिसर बनना है, आप उस पोस्ट को होल्ड कर सकते हो, तभी इस एग्जाम में आप आइए, वरना मत आइए। क्योंकि एक्सटर्नल जो होता है ना कि आपका पोस्ट है, रुतबा होगा, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये एक लॉन्ग टर्म में आपको मोटिवेट नहीं रख सकती पढ़ने, फिर जी आपको डिप्रेशन होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो ये दो तीन चीजें हैं जो लोगों को ध्यान रखते हुए इस एग्जाम को अप्रोच करना, मतलब खुद का ड्रीम हो तभी इसको फॉलो तभी करो। करें बस। किसी का सुन के करने का ना, वो आपके 1 साल 2 साल उसके बाद आपको मोटिवेशन नहीं आएगा पढ़ने का, जी क्योंकि ये काफी एक लॉन्ग जर्नी होती है प्रिपरेशन से लेके एग्जाम देने तक की। बहुत ज्यादा। मैम ऐसे कितने लोग हैं जो तैयारी करते हैं पर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। आपका यूपीपीसीएस में फर्स्ट रैंक रही है, तो ऐसा क्या की फैक्टर है जो आप बताना चाहोगे कि उन्हें जरूर फॉलो करनी चाहिए? इसके लिए भी मैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रैंक आना या फिर सिलेक्शन होने के लिए क्या चीज इम्पोर्टेंट है। जब मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ था वो क्या होता है, बहुत डिप्रेसिंग फेज रहता है। जी लेकिन मैम मुझे ऐसा लगता है कि की फैक्टर जो ये चीज है कि मैं कभी भी कट ऑफ के लिए नहीं पढ़ती थी। मैंने यूपी में तो यही अपनी अप्रोच बना के रखी थी कि मैंने कट ऑफ के लिए नहीं पढ़ा, कि आप पास्ट ईयर के पेपर देख लीजिए, इतने मार्क्स का प्री का कट ऑफ गया था या इतने का मेंस का, उतना पढ़ ले। मैंने कभी भी वो अप्रोच नहीं रखी, मैंने हमेशा हाईएस्ट स्कोर करने की ही अप्रोच रखी है। क्योंकि जब आप कट ऑफ के लिए पढ़ते हो आप अपना मिनिमम एफर्ट देते हो कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, उसके लिए जितना पढ़ना सफिशियंट है। लेकिन जब आप हाईएस्ट लाने के लिए पढ़ते हो तो आप अपना जी मैक्सिमम देते हो, आपको पता है अगर आपको हाईएस्ट आना है यानी कि सबसे ऊपर आना है तो आपको कितनी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, आपको कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा। और ये अप्रोच मैंने यूपी के एग्जाम में रखी थी, इसलिए मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इसलिए जैसे आप अगर आप कोशिश प्री भी देखेंगे कर तो प्री में रहे भी मैंने ये चीज पहले से सोच के रखी थी कि मुझे 350+ लाने हैं, मैं हैं। इतने उससे पढ़ूंगी। मैंने सारी चीजें पढ़ी, अराउंड 313 मेरे मार्क्स बन भी रहे थे। उसके बाद में मेंस में भी ये था कि मैंने ये सोच के चला था कि मुझे 550 तक, इसमें 600 तक भी अगर चला जाए तो इतना मुझे स्कोर करना ही है, मेंस में ही मैं जितना कर सकती हूँ। तो मैंने उस अप्रोच से पढ़ा, तो मैंने अपना मैक्सिमम एफर्ट दिया। तो वही है कि अगर आप कट ऑफ के लिए पढ़ोगे, आजकल क्या है जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, ऑनलाइन सोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है, तो कट ऑफ क्या रहता है जनरली हाई ही जा रहा है। तो अगर आप केवल कट ऑफ के लिए पढ़ रहे हो सकता है आपके पेपर में और है चला जाए, तो वो अपना मैक्सिमम एफर्ट देने के लिए आपको बढ़ना चाहिए। जी मैम, जैसे कि हमारे बीच में कुछ ऑडियंस नहीं हुए जो अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लॉ स्टूडेंट्स हैं जो एम कर रहे हैं या जो आपसे डेडिकेटेड होके एम कर रहे हैं पीसीएस के लिए, तो मैम बेस से कैसे शुरू करें वो? लाइक अभी फर्स्ट सेकेंड ईयर में तो वो अभी से कैसे बेस बनाते हुए शुरू करें? जैसे जो लोग अभी कॉलेज में हैं उनके लिए सबसे, मैंने भी ये चीज फॉलो की थी जब मैं कॉलेज में थी, तो जितने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है ना, तब आपके पास टाइम है, आपके पास बहुत सारा टाइम, आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ सकते हो। अपने कॉलेज के दौरान ही उन सब्जेक्ट्स की टेक्स्ट बुक्स पढ़ें, उससे क्या होता है ना आपका एक बेस जो तैयार होता है वह ये कि आप जब फाइनल ईयर में आ जाओगे या फिर आप प्रिपरेशन करोगे तब आपके पास एकदम टाइम नहीं होगा कि आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ें, है ना। जब मैं भी वहां पे एग्जाम लिखती थी ये है कि हर क्वेश्चन वो नहीं आता जो आपने प्रिपेयर किया, मगर वहां पे भी आपको अपने कॉलेज डेज की बुक्स जो आपने पढ़ी होती है वो याद आ जाती है। इसलिए जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में जो भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं आप उन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़िए, और कोशिश करिए कि उनकी टेक्स्ट बुक्स को रीड करिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स में इतनी सारी चीजें होती है, किसी भी कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से समझाया होता है, आप उसको वहां से पढ़िए। जब आप फाइनली प्रिपेयर करने लगेंगे एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से, तब आपको सारा कुछ नहीं पढ़ना होगा, आपको टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़नी होगी, आपने जो नोट्स बनाए होंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शन निकाले होंगे, वो सारी चीजें आप पढ़ेंगे। लेकिन जब आप कॉलेज में है तो जो भी सब्जेक्ट चल रहा है उसको अच्छे से पढ़िए, उसको जी टेक्स्ट बुक्स अच्छे से पढ़िए, ताकि आपका एक बेस, और साथ में टेक्स्ट बुक्स के बैक रीडिंग की भी हैबिट। जैसे क्या होगा जब आप फाइनल ईयर में आ जाओगे या फिर पास आउट हो चुके होगे, तब क्या होता है वैकेंसीज आ गई किसी और स्टेट की आ गई, पूरा बैराक पढ़ने का टाइम नहीं है, तो फिर आप अपने कॉलेज के दौरान ही बैराक भी रीड करिए। तो एक टेक्स्ट बुक्स और एक बैराक, उनसे जितना अच्छा आपका बेस स्ट्रांग होगा तैयार होगा, उससे ज्यादा किसी भी चीज से।
जी मैम, आपका स्कूल का क्या मतलब, आप 11th में आपने कौन सी स्ट्रीम चूज की थी? 11th में तो मैं साइंस साइड ही थी, और ये काफी इससे एक मुझे फनी इंसिडेंट याद आता है कि जब मैं एमपी इंटरव्यू में थी तो वहां पर जजेस थे जो पैनल में, उन्होंने देख लिया था, उनके पास मेरी सारी डिटेल्स थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने लॉ क्यों चूज किया, तुमने लॉ क्यों किया है, बेसिक सवाल। तो मैंने बोला कि मुझे लॉ में इंटरेस्ट था इसलिए मैंने किया। फिर उन्होंने मुझसे सेकंड सवाल ये पूछा, अच्छा तो फिर उन्होंने देखा हुआ था डिटेल, तब भी उन्होंने कहा अच्छा आपने लॉ चूज किया है, आपको लॉ में इंटरेस्ट था, तो फिर तो आपने पक्का से 11th में जो है लीगल और ये स्टडी चूज की होगी, साइंस वाइंस क्यों आप करें। तो फिर मुझे लगा नहीं, मैंने तो साइंस ही चूज की थी। तो भाई ये कि साइंस साइड ही में थी, लेकिन मुझे हमेशा से लॉ में इंटरेस्ट था कि मुझे, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह आपको पढ़ाया जाता है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया जाता है, इतना सिविक्स पोर्शन में आपको पढ़ाया जाता है, तो वो सारी चीजें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी कि हाँ राइट्स वगैरह के बारे में जानना। तो उस समय पर वहां से मुझे इंटरेस्ट आया, इसलिए मैंने लॉ चूज किया, लेकिन मैं साइंस बैकग्राउंड की थी। आपके परसेंटेज कितने थे, लाइक 10th के, 12th के, ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस था स्कूल का आपका? स्कूल में एक्चुअली 10th में मेरे 77% थे, 12th में 92% थे। मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी 12th तक, जी और यूपी बोर्ड से ही। 12th के बाद जब मैंने लॉ चूज किया है तब मैंने इंग्लिश मीडियम में स्विच किया है। तो स्कूल टाइम पर ऐसा था कि मतलब मैं पढ़ने में हमेशा से अच्छी स्टूडेंट रही हूँ कि ओबीडियंट टाइप, तो वही चीज थी। और ओवरऑल स्कूल का एक्सपीरियंस ये चीज रहती है ना, स्कूल के टाइम में तो बच्चे इतने सीरियस नहीं होते, आप सोच नहीं पाते। आजकल ये चीज बहुत ज्यादा है, पेरेंट्स वगैरह पहले से काफी डेडिकेटेड रहते हैं कि आपको 12th के बाद क्या करना है, पहले से इसकी कोचिंग्स वगैरह आप लेते हैं या आप पढ़ाई करते हैं। उस टाइम पर ऐसा बहुत नहीं था, मगर मुझे लॉ में इंटरेस्ट था तो वो चीज मैंने। तो मैम, आप जैसे आप बता रहे हो कि आप हिंदी मीडियम से शुरू से, तो मैम आपको कुछ इंग्लिश मीडियम वालों से ज्यादा डिफिकल्टी फेस करने को मिली या फिर बराबर ही? नहीं, जैसे कि कॉलेज में आने पर ये चीज थी कि अगर आप हिंदी मीडियम होते हो तो आप हिंदी, जैसे यूपी बोर्ड में क्या रहता है कि 11th में आपके पास चॉइस होती है, या तो आप कंप्यूटर चूज कर सकते हैं या तो इंग्लिश। तो मैंने कंप्यूटर चूज किया था, तो वो 2 साल मैं इंग्लिश के टच में ही नहीं थी, मैंने कुछ इंग्लिश का नहीं पढ़ा, मैंने सारे सब्जेक्ट हिंदी में पढ़े थे। फिर जब मैं कॉलेज में गई तब उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा मतलब स्ट्रगलिंग लगा था क्योंकि आपको इंग्लिश में ही लिखना रहता है, मगर मैंने उस चीज को, यही है कि साथ में जो आपके फ्रेंड्स होते हैं वो सपोर्टिव होते हैं, उस तरीके से मैंने सीख लिया। और थोड़ी डिफिकल्टी थी स्टार्टिंग में, एक आध सेमेस्टर तक, उसके बाद सब नॉर्मल था। और मैम, आपका कौन से कॉलेज से आपने BLLB परचेज किया यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, मेन फैकल्टी। था? तो मैम, उसका ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा? मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरी जर्नी, जैसे मुझे लॉ में इंटरेस्ट था कि मुझे लॉ करना है, लेकिन जुडिशियल ऑफिसर बनना है ऐसा कोई ड्रीम लेके मैं यूनिवर्सिटी में नहीं गई थी। लेकिन जी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ऐसा माहौल था, वहाँ हमारे कॉलेज का ऐसा माहौल था, हमारे सीनियर्स, जैसे 18 का एग्जाम आया था 2018 में यूपीपीएससी, बहुत सारे लोग जजेस बन गए थे, बहुत सारे सीनियर्स जिनको हम जानते थे, और वहाँ कॉलेज का माहौल भी ऐसा था कि सब लोगों ने उस डायरेक्शन में ही मोल्ड किया कि आप उस डायरेक्शन में जाइए। वहां से मुझे ये इंस्पिरेशन आई कि मुझे भी जुडिशियल ऑफिसर बनना। तो पूरे ओवरऑल आज मैं जो भी हूँ, मैं मेन अपना क्रेडिट अपनी यूनिवर्सिटी को ही देती हूँ क्योंकि वहां से ही मुझे इंस्पिरेशन मिली और मैंने उस चीज को फॉलो किया। मैम, ऐसा होता है कई बार कि बच्चे, जैसे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रिमोट यूनिवर्सिटी से होते हैं, तो मैम वो कैसे अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर करें या कैसे पीसेस की तरफ बढ़े ऐसे कॉलेज में होते हुए भी? देखिए, कॉलेज एक रोल प्ले करता है आपका फाउंडेशन बेस तैयार करने में, ये चीज मुझे लगती है। लेकिन अगर आप कहीं रिमोट एरियाज में, ऐसे कॉलेजेस में भी पढ़ रहे हैं, तो जब भी आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, देखिए मैंने भी सेल्फ स्टडी बहुत की है, कॉलेज में आपको सारा सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाएंगे ना, आपको थोड़ा पढ़ाएंगे, फिर आपको घर जाकर खुद से पढ़ना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा कि टेक्स्ट बुक्स पढ़ी। कॉलेज आपको ये तो है कि फाउंडेशन बेस आपका तैयार कर सकता है, लेकिन अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो उसका भी कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अगर आप अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें कि जो भी ईयर में है आप, जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हो उनको पढ़िए, टेक्स्ट बुक से पढ़िए, अगर आपके पास कोई गाइडेंस देने वाला है तो उसकी हेल्प लीजिए, और इस तरीके से अप्रोच रखिए कि आपको उस डायरेक्शन में जाना है। और आजकल क्या है, अब वेरियस सोर्सेज अवेलेबल है, उस समय जी पर ऑनलाइन में इतने सोर्सेज जुडिशरी के लिए पर्टिकुलरली नहीं थे। जब हम भी कॉलेज टाइम में थे तो कभी आपको जुडिशरी का कुछ देखना हो तो आपको ऑनलाइन यूट्यूब पर कुछ नहीं मिलेगा, अब ऑनलाइन सोर्सेज इतने ज्यादा है कि आप कहीं से भी गाइडेंस ले सकते। तो वही चीज है कि अगर आप अपना ड्रीम इस तरीके का रखते हो तो उस डायरेक्शन में तभी से अप्रोच करिए, आप अपनी पढ़ाई को उस डायरेक्शन में लेके चलिए कि आप अपने पढ़ाई फोकस से पढ़िए, ऑनलाइन सोर्सेस की हेल्प लीजिए। तो वो जो कॉलेज का अगर आपको लगता है कि गैप है कि आप रिमोट एरिया में हैं, या वो चीज कहीं ना कहीं थोड़ी तो फुलफिल मतलब हो जा रही है ऑनलाइन सोर्सेस की वजह से। जी मैम, आपके कॉलेज में क्या परसेंटेज है? आप टॉपर रहे थे पूरे लाइक सारे ईयर?
कॉलेज में ये है कि हाँ मतलब 5 ईयर लॉ में मैं टॉपर ही थी, अगर ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो मैं सेकंड टॉपर थी पूरे ओवरऑल। तो कॉलेज में भी ऐसी थी, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ लेते हैं ठीक मैम क्या ऐसा हो सकता है कि जो बच्चे लाइक टॉपर नहीं रहे जैसे ना स्कूल में ना कॉलेज में, फिर भी क्या वो पीसीजे होल्ड कर कर सकते हैं या सकते हैं। फिर जैसे कि जो आपके? रैंक 2 है शशर यादव, वो मेरे क्लासमेट ही है कॉलेज में, वो मेरे क्लासमेट थे। और वो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई टॉप स्टूडेंट रहे हो या वो बहुत अच्छा परसेंटेज लाते हो, वो एकदम एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन उनकी रैंक 2 है। तो ऐसा एकदम भी जरूरी नहीं है, आपको स्टूडियस होने की जरूरत नहीं है। हर तरीके के एग्जाम्पल है। अब जैसे कोई मेरा एग्जाम्पल लेता है तो ये होता है कि मैं तो पढ़ने वाली थी, मैं तो स्टूडियस थी इसलिए। अब वैसे भी एग्जाम्पल आपके पास है, जो बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट भी होगा वो भी टॉप कर सकता है, वो भी क्लियर कर सकता है। मैम एक सही समय क्या होता है जब हम अपनी पीसीजे की प्रिपरेशन स्टार्ट करें? मैंने अपने 4th ईयर में स्टार्ट की थी 1.5 सेमेस्टर में, लेकिन मुझे लगता है कि एक्यूरेट टाइम एकदम सही समय आपके पास फाइनल ईयर में आप स्टार्ट कर सकते हो, या 4th ईयर है अगर आपका तो आप तब स्टार्ट कर सकते हो। उसके पहले क्या रहता है कि कॉलेज में आप बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, 5th ईयर तक, जब तक आप लास्ट ईयर तक नहीं आते, आपने सारे मेजर सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े होते, है ना। और कॉलेज या मतलब कॉलेज में आपका एक बेस तैयार किया जाता है, तो जब तक आप कॉलेज में स्टार्टिंग ईयर्स में हो तब तक आप अपने बेस पे ध्यान दो। जब आप अपने 8th सेमेस्टर में या फाइनल ईयर में जब आ जाओ, तब आप इसके तरफ इस डायरेक्शन में पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, कि केवल एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न पे, कि आपका एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं, कैसी चीजें आती हैं, आप उस डायरेक्शन में अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। जी और इस एग्जाम के लिए मुझे लगता है ओवरऑल सारी तैयारी करने के लिए, जैसे अगर आप एक बेसिक तैयारी करना चाहते हो कि आपके सारे नोट्स कंप्लीट हो, वीक के लिए आपने पढ़ा हो, उसके लिए आपके लिए 15 मंथ्स, 12, 1 साल, 15 मंथ्स काफी इनफ होते हैं। उसके बाद जब आप एग्जाम देना स्टार्ट करोगे इवेंचुअली उस तरीके से आपकी प्रिपरेशन, तो मुझे लगता है राइट टाइम यही रहता है कि आप फाइनल ईयर में तैयार करो, नहीं तो फाइनल ईयर से पहले जो भी सेमेस्टर हो उसमें आप स्टार्ट कर सकते हो, तब आप एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ो। उसके पहले आप पढ़िए, मगर आप टेक्स्ट बुक्स पढ़िए, इस तरीके की चीजें पढ़िए आपकी थोड़ी नॉलेज और बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फिर उसके बाद आप एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न में पढ़िए। मतलब बस ये नहीं होना चाहिए कि बच्चों ने अगर सुन लिया आज की बस लास्ट और लास्ट सेकेंड ईयर में पढ़े तभी शुरू करें, शुरू से ही ये पढ़ना पढ़ना है लेकिन पड़ेगा, बेस फोकस आपको तैयार करना। लास्ट में रखना है। हाँ, जी मतलब कि फिर आप एग्जाम को एग्जाम की तरह पकड़ेंगे, कि एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न में कैसे पढ़ना है, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, ये सारी चीजों पे। मैम आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करते थे यूनिवर्सिटी की? हाँ, क्योंकि मैं जैसे इलाहाबाद में रहती थी, वहां पर आप कॉलेज मतलब ये रहता था कि आप कॉलेज में पढ़ाई होती है, आपके अटेंडेंस मैंडेटरी है, आप कॉलेज जाते हैं, क्लासेस करते हैं, वो चीज काफी हेल्पफुल रहती है। मेरे साथ ही बहुत पेपर के पूरे स्टेजेस पे हुआ है कि मुझे बहुत सारे आंसर्स मैंने वो लिखे हैं जो मुझे क्लास में किसी टीचर ने पढ़ाया था उसके बेसिस। जैसे हिंदू लॉ के क्वेश्चंस इस बार पेपर में आए थे, वो बहुत ही नॉर्मल थे, थोड़े से डिफरेंट थे, तो मुझे मेरी क्लासेस की कुछ कुछ चीजें याद आ गई थी जिससे मैंने लिखा। मैं रेगुलर क्लास अटेंड करती थी, और क्लासेस हमेशा कहीं ना कहीं जाके आपके लिए हेल्पफुल हो जाती। ह्यूमन राइट्स के हमारे यहाँ क्लास होती थी, बहुत कम बच्चे अटेंड करते थे, लेकिन मैं अटेंड करती थी, और वहां पर मुझसे इंटरव्यू में ह्यूमन राइट के सवाल पूछे गए थे। मुझे लगता है कि वो चीजें कहीं ना कहीं काम आ जाती। मैम मतलब सबको अपनी अटेंडेंस तो पूरी रखनी चाहिए, उसके साथ ही अपनी रेगुलर प्रिपरेशन क्लासेस करनी चाहिए, मस्ती वगैरह भी कॉलेज में करनी चाहिए, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि कॉलेज के समय में पढ़ना चाहिए, मैंने खुद भी अपने कॉलेज में बहुत मस्ती की है, मगर करें। दोनों चीजें बैलेंस्ड वे में चलनी चाहिए, कि आप पढ़ भी रहे हो और आप। जी अच्छा मैम एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है हमेशा से कि टॉपर्स जो होते हैं वो एक बंद कमरे में रह के सारा दिन पढ़ते हैं, क्यों ऐसा होता है कि हमें बंद कमरे में रह के ही पढ़ने वाला टॉपर बन सकता है? मैं ये चीज एकदम भी प्रमोट नहीं करती हूँ, मुझे लगता है ये एक बहुत ही खराब चीज है जो चल रही है, कि कमरे में बंद होकर टॉपर पढ़ते हैं, उससे पढ़ाई पता नहीं मुझे, लेकिन डिप्रेशन बहुत होता है। हम लोगों ने मतलब जैसे मैं मेरी फ्रेंड के साथ पढ़ती थी, हम दोनों भी स्टार्टिंग में ऐसे ही पढ़ रहे थे कि हमें बहुत पढ़ना है, लेकिन इवेंचुअली कुछ टाइम के बाद हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि पढ़ाई जो है आपकी लाइफ का पार्ट है, आपकी पूरी लाइफ नहीं है। अगर आप साथ में कुछ और नहीं करोगे, आप अपने आप को रूम में बंद कर लोगे, आपका पेपर क्लियर हो ना हो, आप डिप्रेशन में जरूर चले जाओगे, और वो ज्यादा डिफिकल्ट मतलब वो बहुत ही खराब सिचुएशन है। तो अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आपको सारी चीजें करनी चाहिए, आप पढ़िए, आप बाहर जाइए, आप एसोसिएट हुए, लोगों से मिलिए, सोशलाइज करिए, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। तो वही मैं ये एकदम भी प्रमोट नहीं करती, और ऐसा एकदम भी हमने नहीं किया। रूम में बंद हो के पढ़ने का मतलब कि सिर्फ पढ़ाई करने का भी टाइम आता है, जैसे आपने प्री दे दिया, आपका प्री क्लियर हो गया, आपको मेंस एग्जाम देना है, आपके पास 1 महीना 1.5 महीना है, तो अब उसमें तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कि आपको सिर्फ पढ़ना है, लेकिन उससे पहले कोई भी स्टेज ऐसी नहीं होती कि आप अपने आपको रूम में बंद करके पढ़ो, आप सारी चीजें साथ में करो जिससे आपकी मेंटल हेल्थ सही लगे। और इसमें इतना लंबा टाइम है, फिर से मैं वही कहूंगी, इतनी लॉन्ग जर्नी रहती है, आप नहीं कर सकते। जी मैम आप फर्स्ट हो अपने फैमिली से जो लॉ फील्ड में है या फिर आपके पहले भी कोई है?
नहीं नहीं मैं पहली हूँ, लीगल बैकग्राउंड से मेरे घर में कोई भी नहीं है तो... आपके लिए काफी डिफिकल्ट भी रहा होगा एक नई स्ट्रीम में जाना, कोई गाइडेंस? जैसे कि अब वही है कि घर में मेरे भाई बहन दोनों इंजीनियर्स हैं, मेरा छोटा भाई है, मेरी एक बड़ी बहन है, और बाकी कजिन्स भी हैं जो इंजीनियरिंग वगैरह साइड में ही अप्रोच कर रहे हैं, किसी को इतना ज्यादा लॉ में इंटरेस्ट नहीं है। तो इसके अपने चैलेंजेस रहते हैं। घर पे ये होता है कि जब आपके घर में किसी को पता नहीं होता है तो फिर ये लगता है कि आप क्या कर रहे हैं। मैं भी 2020 में पास हो गई, इसके बाद 3 साल हो गए, मैं बस एग्जाम देने के लिए पढ़ रही थी। किसी को पता नहीं था कि कब एग्जाम होगा, कब क्लियर होगा, दो एग्जाम दिए वो क्लियर नहीं हुए, वो अनसर्टिनिटी वाला माहौल बहुत ज्यादा था। मगर अब तो खैर क्लियर हो गया है, मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव रहे हैं। मगर भी होता है ना, आपके सिर्फ पेरेंट्स नहीं होते, तेरे रिलेटिव्स होते हैं, कोई कोई होता है, कुछ ना कुछ कोई बोलता रहता है। मगर आपको अपनी चीज पे फोकस करना है, अगर आप किसी चीज में आए हो तो कुछ सोच कर आए होगे, तो उस चीज पर ट्रस्ट रख के आगे बढ़ते रहना चाहिए। जी मैम, जैसे कि स्कूल कॉलेजेस में सबके फ्रेंड्स ग्रुप होते हैं, आपके भी रहे होंगे मैम, तो मैम इसका कुछ इफेक्ट पड़ता है कि जैसे अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिलते, फिर भी क्या ऐसा होता है कि हम प्रिपरेशन में अच्छा कर सकें, या फिर फ्रेंड्स ग्रुप का एक बहुत ज्यादा मेजर इफेक्ट पड़ता है? मैं मेरे लिए ये कहूंगी कि मैं तो मेरी मेरी फ्रेंड है सुकृति, उसका भी सिलेक्शन हुआ है, उसकी रैंक 80 है, तो मैं और वो साथ में ही पढ़ते थे। हम लोग ने कोई प्लानिंग नहीं की थी कि हमें साथ पढ़ना है। इवेंचुअली एक दिन मैंने LLM एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए मैं उससे मिली, और ये हुआ कि हम साथ में पढ़ेंगे, और हम साथ में पढ़ने लगे 2020 से, और हम तब से साथ में ही पढ़ रहे थे, हम लोग ने सारे एग्जाम साथ में। तो मैं उससे हमेशा ये कहती हूँ कि अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाती, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम लोग साथ में थे, हम कंपटीशन नहीं करते थे। और जब आप साथ में किसी के पढ़ते हैं ना, वो पढ़ाई बहुत इफेक्टिव होती है। और अगर आपको कोई ऐसा आपका दोस्त मिल जाए जिससे आपको कंपटीशन ना हो, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। जनरली क्या होता है, लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन हो जाता है, फिर वो साथ वाली चीज जो होती है वो आपको नेगेटिव में ले जाती है। लेकिन मैं इस मामले में बहुत लकी थी, वो मेरी फ्रेंड है, वो इतनी ज्यादा मुझे सपोर्टिव थी कि हम दोनों साथ में पढ़ते थे, साथ में सारी चीजें करते थे। इससे मुझे लगता है मेरी प्रिपरेशन अलग लेवल होगी, कि अगर आप जैसे कोई चीज आप पढ़ रहे हैं, आप खुद से रिविजन करने में बोर हो जाएंगे, लेकिन आप दो लोग होंगे तो आप उसको इजिली रिवाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों ने तो मेरी पूरी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा इफेक्ट डाला है। अगर किसी को कोई ऐसा दोस्त मिल जाता है तो मैं तो एकदम कहूंगी कि आप उसके साथ पढ़िए, आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। लेकिन अगर आपको दोस्त नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं है, आपका फ्रेंड्स ग्रुप लेकिन ऐसा ही होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे। इवेंचुअली क्या होता है, देखिए इतना लॉन्ग प्रोसेस होता है, थोड़ा टाइम बाद जो आपके सेम फील्ड के फ्रेंड्स नहीं है वो मे भी आपको समझेंगे, मे भी आपको नहीं समझेंगे, उन लोगों जी के आगे अपनी लाइफ चलती रहती है। लेकिन अगर आपके सेम फील्ड के फ्रेंड्स हैं और वो आपको समझते हैं, आपके साथ सपोर्टिव हैं, तो आप बेशक मतलब ऐसा फ्रेंड सर्कल रखिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए वो ही करे, मोटिवेट ही करे, दोस्त ना हो। मैम, जैसे कि आपने अभी बताया कि आप 2020 से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैम इतने टाइम से आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैम डिस्ट्रैक्शंस भी आई होंगी, तो मैम उस डिस्ट्रैक्शंस को कैसे मैनेज करिए? ऐसी कौन सी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं जो सब सारे जो स्टूडेंट होते हैं जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं उनके लाइफ में आती आती है? जैसे सबसे पहली बात तो यही है कि इतनी लॉन्ग जर्नी में अपने आप को पूरे समय मोटिवेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीच में पढ़ना छोड़ देंगे, बैराग्स भूल जाएंगे। एग्जाम ही ऐसा है कि आपको बैराग्स याद करने हैं, आपको नोट्स रिविजन करने हैं, बार बार एक ही चीज को पढ़ना है, तो उस चीज के लिए अपने आपको मोटिवेटेड रखना बहुत मुश्किल होता है, बोरिंग लगने लगता है, आप नहीं पढ़ पा रहे हो। तो पहला डिस्ट्रैक्शन तो ये होता है कि आप नहीं करना चाहते, नहीं हो पाता है, मोटिवेशन नहीं आता है। सेकेंडली दूसरा डिस्ट्रैक्शन मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा ये चीज होती है कि आपके साथ के लोग क्या हो रहे हैं, लोगों की जॉब्स लग गई हैं, लोग अपनी लाइफ में सेटल्ड हो गए हैं, सोशल मीडिया आप खोलते हैं, आप उन लोगों को देखते हैं, फिर आपको लगता है आप क्या कर रहे हैं, आप अपने करियर चॉइसेस को क्वेश्चन करने लगते हैं, ये सारी चीजें। फिर आपको लगता है कि मैं कुछ और कर लूँ अपनी फील्ड से हटके, मैं कुछ साथ में प्लान बी कर लूँ, तो ये सारी चीजें काफी डिस्ट्रैक्टिंग होती हैं। कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया पर डिस्ट्रैक्टिंग होता है, मेरे लिए वो सच नहीं था, मैं बस उतना देखती थी जितना मैं देखना चाहूँ, मैंने सोशल मीडिया से मैं कहीं से हटी नहीं थी, मैं सोशल थी। तो ये सारी चीजों के डिस्ट्रैक्शन रहते हैं, लेकिन इसके लिए वही चीज फिर से कि अगर आपका अपना इनर होगा ना कि आपको वो चीज बननी है, तो आपको मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन जहां से आएगा उसके आगे कुछ नहीं। आपका जो वो वाई होता है कि आप क्यों ये चीज बननी है, वो वाई इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जब भी ऐसे कोई भी डिस्ट्रैक्शन आए तो आप अपने उस वाई को क्वेश्चन करिए कि क्यों मुझे इस फील्ड में आना था, मैं क्यों आई। तो जब आपका वो वाई इतना स्ट्रांग होगा ना, तो आपको मोटिवेशन आ जाएगा और वो डिस्ट्रैक्शन आप पर कभी भारी नहीं पड़ेगा। तो जब आप एंटर हो रहे हो तो अपना वो वाई सोच के रखिएगा कि क्यों आप कर रहे हैं। जी मैम, तो मैम जैसे 2020 से आपने शुरू किया तो वो एक कोविड का टाइम था, तो कोविड में आपको ज्यादा वो मिला, टाइम मिला प्रिपेयर करने का, और फिर कोविड हटा तो कुछ डिफरेंस बहुत ज्यादा आए इसमें या फिर थोड़े बहुत ही डिफरेंस थे? मुझे लगता है कि कोविड को अगर हम देखते हैं तो कोविड एक तरीके से, कोविड टाइम हमारे लिए पॉजिटिव ही था, क्योंकि
जब सारी चीजें हैं, सबसे पहले तो इस सेंस में कि हमें टाइम ज्यादा मिला, क्योंकि अगर आप शायद 2020 में वैकेंसी आ जाती, मैं उतनी प्रिपेयर्ड नहीं थी, मेरे सब्जेक्ट्स नहीं प्रिपेयर थे, मुझे वो टाइम मिला, बैराग रीड करने का टाइम मिला, मैंने कवर टू कवर बैराग उसी टाइम में पढ़े थे, तो एक चीज में इस तरीके से। सेकेंडली ये होता है कि उसके पहले तक ऑनलाइन चीजें इतनी नहीं थी, 2020 से ऑनलाइन इतने सोर्सेज आ गए हैं, आप कोई भी चीज सर्च करिए आपको कुछ ना कुछ सोर्स मिल जाएगा, तो वो चीज मुझे लगता है कोविड टाइम में बहुत चेंज हुई, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर वो चीज चेंज हुई, वो भी हमारे लिए काफी फायदेमंद थी। तो कोविड टाइम्स में जब ये था कि बस ये था कि अनसर्टेनिटी बहुत थी, एग्जाम आ रहा है एग्जाम नहीं आ रहा है, कब सारी चीजें होंगी, लेकिन उस दौरान ये था कि समय पे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो प्रिपरेशन में ही पूरी तरीके से हम लगे हुए थे कि हम कवर टू कवर बैराग पढ़ रहे थे, सारे बैराग्स पढ़ रहे थे कि आप सीआरपीसी पढ़ लीजिए, कॉन्स्टिट्यू पढ़ लीजिए, सारे कवर टू कवर बैराग्स पढ़ने का टाइम उस दौरान मिला, तो कोविड एक तरीके से बेनिफिशियल ही रहा। मैम जैसे कि कोविड आपने कहा बेनिफिशियरी रहा, आपको ज्यादा टाइम मिल गया उसमें पढ़ने में, तो मैम जैसे कोविड खत्म हुआ तो क्या मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि डिस्ट्रैक्शंस बढ़े आपके लिए या फिर आप कंटिन्यू रहे जो आपने फॉलो किया था कोविड टाइम में? कोविड के बाद एक्चुअली ये हुआ कि वैकेंसी आने लगी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की, तो हम लोग जो पढ़ने के प्रोसेस में थे हम उस प्रोसेस में ही रहे, क्योंकि जब वैकेंसी आ जाती है आप किसी एग्जाम में इन्वॉल्व हो जाते हो तो फिर आपके पूरे ऐसे 9 से 10 महीने तक उस एग्जाम में निकल जाते हैं, तो फिर आप उस एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न में पढ़ने लगते हैं। मुझे याद है कि 2020 के ही एंड में वैकेंसी आई थी, 2020 उसकी एमपी की, तो एमपी का फॉर्म हम लोगों ने भरा था और एमपी का पेपर 2021 में प्री का हुआ था फेब्रुवरी के अराउंड, फिर अगस्त में उसका मेंस का पेपर था, फिर नेक्स्ट फेब्रुवरी में उसका वो था इंटरव्यू था, उसी बीच में राजस्थान की और हरियाणा की वैकेंसी आई थी, तो मैं हमेशा पेपर में इन्वॉल्व रही कि मैं 2020 में पढ़ना स्टार्ट किया और तब से ही मैंने फॉर्म भर लिया। मैं जैसे ही किसी भी पेपर का किसी भी स्टेट का फॉर्म भरती थी तो मैं उस स्टेट ओरिएंटेड तरीके से पढ़ने लगती थी, तो मैं उन एग्जाम्स में इन्वॉल्व हो गई, तो मेरी प्रिपरेशन में आज कोई चेंज नहीं आया, मैं जैसे उस समय पर पढ़ना स्टार्ट की थी मैं वैसे ही पढ़ रही थी, वो बस एग्जाम्स की वजह से। शायद एग्जाम्स नहीं होते तो इतना लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कर पाना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि जब यूपी की वैकेंसी आई थी तब कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल था कि आप 2020 से पढ़ रहे हैं आप सारे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, 2023 आने वाला है और अभी तक कुछ नहीं, तो वो उस टाइम पे मुझे काफी दिक्कत हुई थी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने में, लेकिन कोविड से स्विच करने में कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मैं एग्जाम्स में इन्वॉल्व थी। ओवरऑल अपने आपको बस मोटिवेटेड रखना है जब तक एग्जाम होना चाहे, क्लियर होना जी। मैं वही कहती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉजिटिव रहना है, मोटिवेटेड रहना है, वो बहुत डिफिकल्ट होता है, वो कहने के लिए बहुत आसान है, मैं यहाँ से कह दे रही हूँ कि मोटिवेटेड रखिए अपना भाई लेंगे, वो नहीं आता वहां पर, आप नहीं कर पाते जी। मैम कॉलेज टाइम में आपने इंटर्नशिप्स या मूड कोच किए थे? हाँ मैंने मतलब मैंने बहुत ज्यादा इंटर्नशिप्स मूड्स नहीं किए, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ही मैंने किया, मैंने अपने फैकल्टी में जो मूड्स थे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में किए थे, उसके अलावा मैं एक नेशनल लेवल मूड पे भी गई थी एनएलयू पटना में था वो, बाकी मैंने इंटर्नशिप्स भी काफी कम की है, मीडिएशन सेंटर में की थी, एसएलओ में की थी और एक लीगल सर्विसेज अवेयरनेस टाइप की सर्वे वाली इंटर्नशिप थी, मैंने 2-3 इंटर्नशिप्स ही की थी। उसके बाद फिर ये था कि थोड़ा स्विच हो गया कि मुझे जुडिशियल ऑफिसर बनना है, तो मैं इस डायरेक्शन में आ गई, तो फिर मैंने दूसरे इंटर्नशिप्स नहीं की, लेकिन मुझे लगता है इंटर्नशिप्स वगैरह काफी हेल्पफुल होती है अगर आप कोड की वर्किंग सीख पा रहे हैं, जैसे मैं अभी जिस लेवल पे हूँ मैंने बहुत ज्यादा कोड की इंटर्नशिप्स नहीं की, तो आप वर्किंग नहीं समझते हो इंटरव्यू में, मतलब कि आपकी इंटर्नशिप का कोई यूज नहीं है, लेकिन हाँ वो प्रोसीजर पेपर पूछते हैं तो वो ये सवाल भी आपसे पूछ सकते हैं आपने वर्क किया है कभी कोड, आपने जाके देखा है कि नहीं। मेरी फ्रेंड ने राजस्थान के इंटरव्यू में उससे पहला सवाल उन्होंने यही पूछा था कि तुम कभी कोड गई हो, तो उसने आज से जितनी इंटर्नशिप नहीं की थी तो उसने बोला कि उसने नहीं किया, तो वो लोग काफी इस चीज पर उसको कह रहे थे कि इंटर्नशिप करना तो मैंडेटरी होता है, और फिर उन्होंने उससे सारे प्रोसीजर के सवाल पूछे, उन्होंने कोई ऐसे सब्सटैंटिव पूछा नहीं, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोसीजर उससे पूछा, तो वही चीज है कि अगर आपको कोड वर्किंग देखने का मौका मिले तो आप एकदम इंटर्नशिप करिए, बाकी एग्जाम के लिए तो एज सच वो इम्पोर्टेंट नहीं होती, वो आपके अपने ओन नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट होती। और मैम ये जुडिशियरी में हेल्पफुल है, लाइक जैसे कि आपने भी बताया कि एग्जाम में तो नहीं है लेकिन जुडिशरी के इंटरव्यूज में तो हेल्पफुल आएगा ये? बहुत ज्यादा मैंडेटरी नहीं है वही ना, अगर आपसे उन्होंने सवाल पूछ लिया तो आप बता सकते हो, नहीं पूछा तो कोई वो नहीं, उन्हें वो नहीं पूछते आपने इंटर्नशिप की है कि नहीं की, वो बस ये जानना चाह रहे थे कि आप कोर्ट गई हैं कि नहीं, आपने कोर्ट कभी देखा है, तो एज सच इंटर्नशिप्स का रोल नहीं है इस एग्जाम्स में, जुडिशरी एग्जाम में या इंटरव्यू में भी कुछ स्पेसिफिक रोल नहीं है, लेकिन आप वो अपने लिए कर सकते। अच्छा अगर मैम लिटिगेशन साइड जाना हो तो करनी जरूरी है? तब तो मैंडेटरी है, तब आपको जरूर से करनी चाहिए, आपको वर्किंग पहले से पता हो, वरना इंटर्नशिप्स के काम में भी होता है, इंटर्नशिप में जो आपको काम मिलते हैं आपको कोड वर्किंग करनी। मैम आपने अपनी प्री पीसीएस जे की प्रिपरेशन खुद से की थी या किसी कोचिंग के थ्रू की थी?
मैंने अलाहाबाद में ही परीक्षा बंधन जुडिशियल क्लासेस हैं। मैंने 2019 में जब डिसाइड किया था, मैंने तब कोचिंग ज्वाइन की थी। अराउंड 1 ईयर की कोचिंग थी, 2020 कोविड टाइम्स में वो कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद से फिर मैंने सेल्फ स्टडी की। मैम ऐसे जरूरी है कि कोचिंग करनी ही है पीसीएसजी के लिए या ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जैसे क्या कि मेरे साथ ये था कि मेरे पास कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं था, तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि आपको मतलब किस डायरेक्शन में पढ़ना है। मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं, इसलिए मेरे ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना जरूरी था। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझे भी ये चीज समझ नहीं आ रही थी मैं क्या पढ़ू, कहाँ से पढ़ू, कितना पढ़ू। अगर मैं पढ़ने बैठी हूँ सीपीसी में पैराग्राफ रीड कर रही हूँ तो ऐसे तो नहीं होगा ना कि आप सारा पैराग्राफ रीड कर लो और एग्जाम में आपको। तो मुझे वो गाइडेंस की बहुत ज्यादा लैक था कि गाइडेंस नहीं था मेरे पास। तो वो गाइडेंस मुझे उस इंस्टीट्यूट से मिला कि किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से पेपर को अप्रोच करना है, किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है, काफी सारी चीजें। अगर आपके पास कोई गाइडेंस देने वाला है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, आपके घर में कोई हो सकता है जो उस पेपर में बैठा हो या जिसको आइडिया हो, अगर कोई गाइडेंस है तो आप वहां से गाइडेंस ले लीजिए। आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक चीज मैं कहूंगी, जैसे लोगों को अपना असेसमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि एग्जाम देने के पहले आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट में आपके कैसे मार्क्स आ रहे हैं आप उस तरीके से समझते हैं, तो वो असेसमेंट करना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप कोचिंग मत करिए, लेकिन इस टाइप का टेस्ट टाइप की चीजें आपको थोड़ी सी अटेंड करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर आप खुद से सब पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, आपको सब आता है, लेकिन जब आप ऐसे टेस्ट वगैरह देते हो तो आपको थोड़ा सा अपना लेवल समझ में आता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप कितना लिख पा रहे हो, कितना कर पा रहे हो। तो एक तो पहले है कि गाइडेंस अगर आपके पास है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की पर्टिकुलरली जरूरत नहीं है, आप अपना नोट्स बना सकते हो, आप सब आपको डायरेक्शन पता होगा। और सेकेंडली ये असेसमेंट वाली चीज मुझे लगता है ये आप किस भी तरीके से कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज होती है या आप अपने दोस्त मिलकर टेस्ट लगा सकते हो किसी भी तरीके से, लेकिन ये टेस्ट वाली चीज होनी जरूर। मुझे ये दोनों फायदे उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिल गए थे। लेकिन अगर कोई कोचिंग नहीं करना चाहता है तो ये चीज है भाई, आप गाइडेंस किसी से लेने वाला आपके पास है तो आप वहां से गाइडेंस ले लीजिए और अपना एक टेस्ट वाला असेसमेंट कर दीजिए, तो फिर आपको इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं। बच्चे हैं जैसे जैसे आप कह रहे हो जो नहीं करना चाहते, पर बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, जो कोचिंग के लिए दिन जा नहीं सकते हैं, उनके एरिया में कोचिंग नहीं है, तो क्या मैम वो ऑनलाइन मतलब तो वो कैसे प्रिपरेशन कर सके, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे कर सके, कैसे फॉलो अप कर सके? जैसे अगर उनके पास ऑनलाइन सोर्सेज वो अवेल कर सकते हैं तो ऑनलाइन सोर्सेज अवेल कर लेने चाहिए। जैसे कोचिंग वगैरह ऑनलाइन भी अगर कोई करता है तो वो भी हेल्पफुल ही रहती है, क्योंकि आप कर तो रहे हो, आप पढ़ाई तो कर ही रहे हो। मैंने भी अपनी कोचिंग मैंने आधी ऑनलाइन में कंप्लीट की है क्योंकि कोविड आ गया, बाकी मैं जितने टाइम तक इलाहाबाद में थी मैंने ऑफलाइन की। तो ऑनलाइन सोर्सेज बहुत ज्यादा है, बस उसको किस तरीके से यूज करना है, और अच्छे सोर्सेज है, ऐसा नहीं है। आप ऑनलाइन देखिए आप सब कुछ अवेलेबल है, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको पास्ट ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, आपको पैटर्न मिल जाएगा, तो वो सारी चीजों को यूज कर लेना चाहिए। ऑनलाइन भी बहुत हेल्पफुल है, बस आपके पास सोर्स होना चाहिए। पर मैम एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से बच्चों को ये भी आती होगी कि इतना वास्ट ऑनलाइन में सारी चीजें आ गई हैं कि बच्चे एक ही चीज को अलग अलग सोर्सेस से पढ़ने लग गए तो वो खो जाते हैं उसमें, तो वो कैसे वो करें? वही चीज मैं ये चीज भी कहना चाहूंगी, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज होती है प्रिपरेशन, आपको अपना सोर्स लिमिटेड करना है, इतना लिमिटेड सोर्स। तो आप एक बार सोर्स ढूंढने में आप बहुत टाइम लगाए, महीने लगा दीजिए, आप सोर्स ढूंढते रहिए कि आपको कहाँ से पढ़ना, लेकिन जब आप एक बार सोर्स ढूंढ लेते हैं तो फिर सिर्फ उस सोर्स से स्टिक रहिए। आपको हो सकता है कोई दूसरा सोर्स दिखा के कह रहा हो कि भाई इससे पढ़ लो इसमें ये दिया, लेकिन अगर आपने कोई एक सोर्स डिसाइड किया है तो उस चीज पर ट्रस्ट करिए और उसको ही आप जितनी बार पढ़ सकते हैं। क्योंकि एग्जाम के लिए क्या है, उतनी चीजें आपको पढ़नी है, उतनी चीजें आपको याद रखनी है, उतनी चीजें आपको वहां लिख कर आनी है, और ये चीज तभी हो सकती है जब आपने रिपीटेडली किसी चीज को बहुत बार रिवाइज किया हो, बहुत बार पढ़ा हो, वो आपको अच्छे से याद हो तभी। अब आप एक चीज को 10 जगह से पढ़ लीजिए, वहां एग्जाम में याद नहीं आएगा, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन भर ली है। तो इसीलिए पहले अपना सोर्स ढूंढिए, उसको लिमिटेड रखिए, उसी को बार बार पढ़िए। अब लिमिटेड सोर्स कैसे ढूंढे, इसके लिए मैं कहती हूँ जब भी आपको एग्जाम, जैसे आप यूपीपीसीएस भी देना चाहते हैं, पास्ट ईयर के पेपर उठाइए, उस एग्जाम की अप्रोच समझिए कि क्या पढ़ना है, किस तरीके के सवाल आते हैं, किस लॉ में किस स्पेसिफिक एरिया से सवाल आते हैं। जब आप एक बार बहुत अच्छे से पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करेंगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा। मैंने एमपी दिया है, राजस्थान दिया है, यूपी दिया है, तीनों पेपर्स में अप्रोचेस डिफरेंट है, सब में सवाल अलग तरीके से आते हैं। वो जब आप पेपर को सही से एनालाइज करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि पेपर में आपको किस डायरेक्शन में जाना है। जब आप पेपर की रिक्वायरमेंट समझ जाओगे तब आप अपना सोर्स ढूंढो, तब आपको समझ में आएगा किस सोर्स में आपको अपने पेपर के हिसाब से चीजें मिल रही है। कि अगर हमारे में हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ आता है उसमें किस तरीके के सवाल आते हैं, तो आप वैसा सोर्स ढूंढोगे जिसमें उस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर्स हों। तो पहले आप पेपर को एनालाइज करिए, उसके बाद आपको डायरेक्शन पता चलेगा, पेपर का रिक्वायरमेंट पता चलेगा, तब आप अपना सोर्स ढूंढो। और एक बार सोर्स आप ढूंढ लें तो फिर उसको लिमिटेड रखिए कि वो चीज आपको वहीं से पढ़नी, वो ये चीज आपको काफी हेल्पफुल रहेगी। आपका सोर्स लिमिटेड रहेगा, ज्यादा बार रिवाइज होगा, आप वहाँ पेपर में बहुत अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाओ।
मैम ओवरऑल आपके जर्नी में सबसे ज्यादा किसका सपोर्ट रहा है, जिसको आप सोचोगे कि हाँ इसका सपोर्ट तो सबसे ज्यादा मायने रखता था? अब ये चीज एकदम स्पेसिफिकली बताना बहुत मुश्किल है. सबसे पहले तो मेरी फैमिली का सपोर्ट मैं कहूंगी, क्योंकि फैमिली सपोर्टिव होनी चाहिए. जैसे कंजर्वेटिव फैमिली होती है तो ये होता है ना, आप बहुत टाइम तक पढ़, जैसे मेरे घर में शादियां बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन मेरे फादर ने मुझे टाइम दिया आप आराम से पढ़ो, पढ़ते रहो. वो भी मेरे लिए इस डायरेक्शन में सपोर्टिव थे. सेकेंडली मैं अपनी फ्रेंड सुकृति को ही कहूंगी, क्योंकि मैं उसके साथ ही पढ़ती थी, हम दोनों साथ पढ़ते थे, स्ट्रैटेजी बनाते थे और उसको फॉलो करते थे. अकेले मैं नहीं कर पाती, मैं मोटिवेशन नहीं रख पाती. उसके रहने से ऐसा हुआ है कि उसके साथ पढ़ने से मैं इतना अच्छा कर पाई, वरना मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल जैसी चीज होती है ना वही चीज, कि हम लोग साथ में पढ़ते थे, वो कभी डिमोटिवेट होती थी तो मैं उसको मोटिवेट करती थी, मैं कभी डिमोटिवेट होती थी वो मुझे करती थी. हम दोनों हो जाते थे तो हम दोनों रोना रोते थे, फिर कहीं बाहर जाते थे, मतलब कुछ भी करके हम लोगों ने एक दूसरे को बैलेंस किया उस पूरी जर्नी में. जो मैं कह रही हूँ ना, मोटिवेटेड रहना है, पॉजिटिव रहना है, वो काम करने के लिए वो मेरे साथ, तो मैं उसको बहुत ज्यादा इस चीज का क्रेडिट देना चाहती. तो मैम जैसे कि हमारे साथ अभी नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं फर्स्ट सेकेंड ईयर के, तो मैम आप क्या उनको बताना चाहोगे कि प्री और मेंस का क्या सिलेबस है, कितने पेपर होते हैं उसमें? प्री के लिए और जैसे जनरल नॉलेज का एक पेपर होता है और एक लॉ का पेपर होता है, दो पेपर होते हैं. दोनों में 150 क्वेश्चंस होते हैं. जीके में 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, लॉ में 2 मार्क्स का क्वेश्चन. मतलब जीके का पेपर 150 मार्क्स का हुआ और लॉ का पेपर 300 मार्क्स का हुआ, और नेगेटिव मार्किंग भी रहती है. तो और मेंस में 6 पेपर होते हैं. एक आपका जीके का पेपर होता है, उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज का, हिंदी लैंग्वेज का, और फिर लॉ के 3 पेपर होते हैं, सब्सटैंटिव लॉ और उसके बाद प्रोसीजरल और उसके बाद लोकल और पीनल लॉस. सारे क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं वो 200-200 मार्क्स के होते हैं, तो ओवरऑल मतलब 1000 बनता है. हिंदी और इंग्लिश का पेपर 100-100 मार्क्स का रहता है, बाकी सारे 4 पेपर 200-200 मार्क्स के है, और इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का रहता है. लेकिन जैसे कि जीके और लॉ में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उसको ये चीज प्री के समय में, तो ये चीज अप्रोच हम लोगों को ये ध्यान में रखनी चाहिए, चलनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से काफी असर होता है. तो मैम आप हमें बताइए कि मैम आपने ऐसी कौन सी बुक्स, स्पेसिफिक कौन सी बुक्स है जो आपने फॉलो की है, लाइक जो बहुत इम्पोर्टेंट है फॉलो करनी चाहिए पीसीएसई के एस्पिरेंट को? जैसे कि मैंने कहा कि प्री में जीके का पेपर रहता है और लॉ का, तो पहले जीके की बात कर लेते हैं. जीके के लिए मेरे प्री पैटर्न में प्री में आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाने रहते हैं, और उसका कोई आप स्पेसिफिक सिलेबस नहीं कर सकते. अब जैसे आप जीके का सिलेबस पढ़ेंगे, हिस्ट्री आ रही है, ज्योग्राफी आ रही है, इको आ रही है, सब कुछ आ रहा है, तो उसको आप कैसे शॉर्ट करें? तो उसके लिए मैंने पढ़ने के लिए तो मैंने लूसेंट बुक ही रखी थी, क्योंकि लूसेंट में काफी शॉर्ट में क्रिस्प तरीके से दिया है, और उसके साथ मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करती थी, तो वो चीज मैं घटना चक्र से करती थी. घटना चक्र की अगर आप देखोगे स्पेसिफिकली बुक्स आती हैं, हिस्ट्री की अलग, ज्योग्राफी की अलग, वो काफी वास्ट बुक्स हैं, उसमें काफी ज्यादा दिया हुआ है, बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं, तो उन बुक्स को मैंने लगाया था. मैंने ज्योग्राफी को लगाया, मैंने उसकी हिस्ट्री बुक्स लगाई, तो वो चीज आपको फॉलो करने में क्या होगा, इस पेपर में कैसे हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उसमें इतने सारे एमसीक्यूज हैं, अगर आप उतने प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाहर का कोई एमसीक्यू आए, ये थोड़ा सा वही होता है कि अब उससे कहीं ना कहीं आसपास मिलता जुलता क्वेश्चन फंस जाता है, तो वो घटना चक्र लगाना मेरे लिए हेल्पफुल था, तो मैं वही सजेस्ट करूंगी कि आप घटना चक्र लगाएं. उसके साथ जीएस में करंट अफेयर्स का पोर्शन काफी ज्यादा आता है, तो करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी मैगजीन पढ़ सकते हो पहले, लेकिन वही चीज है, आपको अपना पेपर का अप्रोच देखना होगा कि उसमें किस तरीके के सवाल है. हमें न्यूज़पेपर बैठ के नहीं पढ़ना, जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट को पढ़ना होता है कि डिटेल में एडिटोरियल पढ़ना है, हमें नहीं पढ़ना है, हमारे यहाँ नहीं पूछते, हमसे बहुत बेसिक सवाल पूछते हैं, अपॉइंटमेंट्स पूछते हैं, कोई नया लॉ आया है, ये सब चीजें पूछते हैं. तो पहले आप अपने पेपर का अप्रोच देख लीजिए, और उस हिसाब के सवाल जिस भी किसी भी मैगजीन में दिए हो या किसी ऑनलाइन सोर्स में दिए हो, तो आप वहां से पढ़िए. जैसे मैंने लक्ष्य मैगजीन आती है, परीक्षा मंथन की ही आती है, वो 4 आती है साल की, तो मैंने उनको पढ़ा था, वो हिंदी मीडियम वाली मैंने हिंदी एडिशन पढ़ी थी, क्योंकि इंग्लिश एडिशन थोड़ी सी एडिटोरियल पैटर्न पे होती है, तो मैंने हिंदी एडिशन चुनी थी, क्योंकि हिंदी एडिशन हमारे पेपर की रिक्वायरमेंट्स को बहुत सही से पूरा करती है. तो मैंने उसको लेकर उसको मैंने अपने तरीके से अपने नोट्स बना लिए थे इंग्लिश में, कि आप जब आप रीड कर रहे होते हो तो आपको पता होता है सारी न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ न्यूज इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको रीड करके उसमें से जितनी चीज इंपॉर्टेंट थी उनके अपने नोट्स बना लेती थी, और फिर मैं उसको पढ़ती थी. तो आप अपनी करंट अफेयर्स के लिए पेपर के अप्रोच समझ लीजिए कि पेपर में किस तरीके के सवाल हैं, और उससे मिलती जुलती अपनी कोई भी मैगजीन ले सकते हैं, मैंने लक्ष्य मैगजीन ली. उसके बाद में और मैंने जीएस स्टैटिक का बता दिया कि मैंने घटना चक्र से सवाल लगाए थे, और वो सवाल आपको रिपीटेडली काफी बार लगाने चाहिए, और लूसेंट से मैंने पढ़ा था. उसमें हमारे जीके के पेपर में लॉ भी आते हैं, इस साल से ही एड हुए 9 माइनर लॉज,
तो माइनर लॉस के लिए सोर्स कुछ और था नहीं, क्योंकि पास्ट ईयर में कभी वो आए नहीं है, तो मैंने बैराक्स ही पढ़े थे। बैराक काफी छोटे छोटे ही थे, तो मैंने बैराक्स को ही रीड किया था और उन्हीं से सवाल आए, सवाल भी उससे ही आए थे डायरेक्ट आज से, तो आज से बहुत डिफरेंस नहीं था, तो वो चीज मैंने पढ़ी थी। लॉ के लिए मैं कहूंगी कि मैं बैराक सबसे ज्यादा पढ़ती थी, अगर प्री की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि मैंने कोविड टाइम्स में कवर टू कवर बैराक पढ़ा था, तो आपको एक आइडिया ओवरऑल रहता है कि किस तरीके के सवाल है किस तरीके के नहीं है। तो बैराक्स मैंने प्री के लिए पढ़े, और उसमें भी मैंने एक एमसीक्यू की बुक चुनी थी, आप कोई भी चुन सकते हो, बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ओपी त्रिपाठी की बुक है, परीक्षा मंथन की बुक है, इसके अलावा यूनिवर्सल की किताब आती है, आप कोई भी एक बुक ले लो और उसमें जितने बार उस बुक को प्रैक्टिस कर सकते हो आप उतनी बार करो, आपको बहुत ऐसे लाख सवाल नहीं लगाने हैं, आपने जितने सवाल उस बुक में पढ़े हैं आपको उनको ही बार बार लगाना है। तो मैं इसमें एक पैटर्न रखती थी कि आप जब बैराक पढ़ लेते हो या आप कोई भी सवाल प्रैक्टिस कर रहे हो, आप प्रैक्टिस करो, उसमें क्या होता है बहुत बेसिक सवाल दिए रहते हैं और बहुत टफ भी। तो बेसिक सवाल क्या है कि एडमिशन किस सेक्शन में दिया है, या कन्फेशन कहाँ पर होता है, रेलिवेंट नहीं होता, कुछ बेसिक सवाल होते हैं जो आप हमेशा सही करते हो, और कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हमेशा मतलब भूल जाते हैं या नहीं आते। तो मैं क्या करती थी, अगर किसी सब्जेक्ट के 700 से 800 सवाल दिए हुए हैं तो आप उसको प्रैक्टिस करिए, उसमें से जो सवाल नहीं आए आप उन्हें सर्किल कर लीजिए, आप सेकेंड टाइम प्रैक्टिस करिए, ज्यादातर क्या होता है जो सवाल सर्किल किए हुए होते हैं जो नहीं आए होते वही आपको फिर से नहीं आते। तो इससे मैंने जितने सवाल, जैसे अब आपको क्या होता है पेपर के पहले जल्दी रिविजन करना है, तो जितने सवाल सर्किल हैं आप उनको फिर से कर लीजिए, अगर आप सारे रिवाइज करने चलेंगे आपको इजी वाले फिर से आ जाएंगे और डिफिकल्ट वाले नहीं आएंगे। तो जनरली आप कुछ भी अपना डिमार्केशन रखिए कि वो 700 से 800 सवाल आपको प्रैक्टिस बार बार करनी है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा सवाल हो जाते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट है तो आप केवल डिफिकल्ट वाले सवाल प्रैक्टिस करिए, लेकिन बुक एक ही रखिए, जो भी आप बुक चूज करें कोई भी कर लीजिए, कोई मैंने सारी किताबें स्टैंडर्ड किताबें कोई भी आप यूज कर सकते हैं, मैंने परीक्षा मंथन की ही यूज की थी और वही चीज मेरे लिए हेल्पफुल थी। बाकी प्री में लॉ के लिए एक चीज रहती है कि ज्यूरिसप्रूडेंस आता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आता है, तो ज्यूरिसप्रूडेंस के लिए मैंने प्री पैटर्न से तैयार किया था, तो वो भी मैंने परीक्षा मंथन की रेडी रेकनर पढ़ी थी, मैंने ज्यूरिस को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा था, ऑनलाइन वीडियोज मैंने देख के थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा था और मैंने उसके केवल सवाल लगाए थे पास्ट ईयर के। लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने यूएन चार्टर पढ़ा था, पूरा चार्टर मैंने पढ़ा था, आईसीजे का स्टैट्यूट पढ़ा था, क्योंकि वो दोनों चीजें आती। तो प्री के लिए इतना था, बाकी मेंस के लिए जीएस के लिए मैंने बता दिया कि मैंने लूसेंट ही पढ़ी थी, उसी को मैंने प्रैक्टिस किया था, और करंट के लिए लक्ष्य मैगजीन, और लॉ के लिए मैंने खुद के नोट्स प्रिपेयर किए थे। तो आपको नोट्स वही है कि आप जब पढ़ रहे होगे एग्जाम का अप्रोच समझ के, जब भी आप पढ़ रहे हो तो अपने नोट्स बनाने, मैंने अपने नोट्स डिटेल्ड, अपने नोट्स मैम कैसे बनाए थे, कैसे से प्रिपेयर किया था सारे सब्जेक्ट्स और सब चीज को कवर करते हुए? जैसे ये स्टार्टिंग में मुझे क्या लगता था कि बहुत डिटेल पढ़ना है एकदम, मुझे हर उसमें केस लॉ लिखना होगा हर आंसर में, तो मैंने पहले जब पढ़ा तो मैंने हर आंसर में बहुत सारे केस लॉस तैयार किए थे, लेकिन फिर आप जब टेस्ट देने जाते हैं आपको एक केस लॉ भी याद नहीं आता, आपको लीडिंग केस भी याद नहीं आता, लेकिन ऐसा एकदम भी नहीं होता, ये अप्रोच एकदम भी नहीं रखनी, हर चीज में केस लिखने की जरूरत नहीं होती है, आपको सारे लीडिंग केस याद होने चाहिए नाम से, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होते हैं, बाकी आप केस एक्स्ट्रा एक्सेस केसेस मत लिखिए, आप अगर कोई लेटेस्ट केस आया, जैसे एंड के टाइम में मैं क्या करती थी, लाइव लॉ को पढ़ती थी, लाइव लॉ में मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स देख लेती थी, अगर मेरे किसी लॉ से रिलेटेड उसमें कोई लेटेस्ट आया है तो मैं उसको एड ऑन कर लूंगी, मैंने 2022 के 1 के केसेस लिखे हैं अपने आंसर कॉपी में, तो आप वो चीज लिख सकते हो, तो वो चीज पे मैंने बाद में एकदम एंड में जब एग्जाम आने वाला था उस समय पर किया था, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तो लीडिंग केसेस को ध्यान में रखो, और ये सब अप्रोच के साथ नोट्स बनाना चाहिए कि आपको पेपर में पूरे 30 सब्जेक्ट ऐसे 30 लॉ आपको याद करके जाने हैं, उन 3 दिनों में आपको सारे लिखने हैं, अगर आप हर एक में एक एक छोटे छोटे टॉपिक को इतना डिटेल्ड नोट्स बना दोगे तो वो आप पढ़ के ना आप पढ़ पाओगे ना आप याद रख पाओगे, इस अप्रोच के साथ जाना चाहिए कि वहां पे एक लिमिटेड टाइम होता है, एक लिमिटेड पेपर दिया होता है, उतने में ही आपको आंसर लिखना होता है, आपको ऐसे कोई वास्ट बहुत वहां पे डीप नॉलेज नहीं दिखानी है, आपको हर चीज का बेसिक बताना है, तो नोट्स बनाते समय इसी चीज को ध्यान रखना है। जनरली मैं नोट्स बनाते समय ये करती थी, अगर आप बैराक से कुछ पढ़ रहे हो उसकी डेफिनेशन देख रहे हो उसको एसेंशियल्स में तोड़ लो, तो जितने उसके एसेंशियल्स हैं और वो सारे एसेंशियल्स आपके आंसर राइटिंग में दिखें, वो चीज इंपॉर्टेंट होती है, और कॉन्सेप्ट में मैं कभी भी बैराक की लैंग्वेज नहीं लिखती थी, मैं हमेशा अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखती थी, क्योंकि आप वो याद भी नहीं कर सकते और आप जितने अच्छे से अपनी लैंग्वेज में समझा सकते हो उतना और किसी तरीके से। तो आप नोट्स बनाते समय एक चीज तो ये याद रखिए कि आपको वहां पर इतनी सारी चीजें लिमिटेड टाइम फ्रेम में लिमिटेड पेज पर लिखनी है, तो आपको किसी को बहुत ज्यादा वास्ट नोट्स नहीं बनाने, केस लॉस जितने लीडिंग हो वो तो याद करने ही है, अगर उसके बाद में कोई न्यू केस आया है 2020 जब भी आपका एग्जाम है उसके पास लेटेस्ट केस कुछ इससे रिलेटेड आया तो आप वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, वो चीज एसेंशियल होती है, अपने आंसर्स में एग्जाम्पल्स लिखने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स लिख के वो चीज आप काफी बेहतर तरीके से समझा सकते हो,
और नोट्स बनाते नोट्स जैसे आपके बेसिक नोट्स बन गए, उसके बाद मैंने एग्जाम टाइम के पहले पढ़ने के लिए स्केलेटन नोट्स भी बनाए थे, उसको आप शॉर्ट नोट समझ लीजिए, क्योंकि आप जब इतना ज्यादा पढ़ते हैं तो उनको याद रखना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं स्केलेटन नोट्स बनाती थी। स्केलेटन नोट्स में आप कैसे लिखेंगे, जैसे कोई एक टॉपिक है उसका आप मीनिंग लिखेंगे, मीनिंग के बाद में उसके कोई एसेंशियल्स हैं आप वो लिखेंगे, तो एग्जाम्पल आपने तैयार किया है वो, उसके बाद उसका केस लॉ या फिर अगर एविडेंस का सवाल है तो रेलिवेंसी, तो इस तरीके के मैं बस शॉर्ट पॉइंट्स बना लेती थी, मीनिंग एसेंशियल्स और ये, ताकि जब मैं पेपर में वो सवाल आएगा तो मैं वो स्केलेटन नोट्स अपने दिमाग में लाती थी और मुझे पता चलता था मुझे ये सारी चीजें लिखनी है। ऐसे आपका कोई पॉइंट जो है वहाँ पेपर में छूटता नहीं है, तो आप अपने एक डिटेल नोट्स बना रहे हैं, लेकिन जब आप वो नोट्स याद कर लें, आप समझ चुके हो, आपको आ गए हो, तब आप अपने एक स्केलेटन नोट्स भी बना लीजिए। इससे आंसर लिखते समय कुछ छूटेगा नहीं, आपको सारे केस लॉज स्केलेटन में लिखे होंगे, जब आपके दिमाग में वो आएगा तो आप वहां पर भी सारे केसेस लिख देंगे कुछ। तो मैंने मेंस के लिए यही दो चीजें की, एक अपने नोट्स, एक उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स। मतलब मैम अगर इतना बड़ा सिलेबस है तो इस सिलेबस को पढ़ के और फिर उसे एकदम रिटेन करके डिलीवर करना है तो हमें ऐसे नोट्स बनाने चाहिए जैसा आपने भी बताया। इस एग्जाम के लिए यही सोर्स है, आप पहले रिवाइज करिए, फिर उसको रिटेन रखिए और उसको वहां पे रिप्रोड्यूस कर पाइए। ये तीन आर आपको याद रखने हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है ये तीन आर। मैम आंसर राइटिंग में आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की? आंसर राइटिंग के लिए जैसे ये चीज है कि आंसर का एक पैटर्न रहता है, आपको इंट्रोडक्शन टाइप का ही स्टार्ट करना होता है, जैसे कि अगर आप सेक्शंस याद कर सकते हैं तो आप एकदम सेक्शन मेंशन करिए, अच्छे से मेंशन करिए कि वो अलग से दिख रहा है कि आपका सेक्शन आपको आता है, तो एक इंट्रो लिखने के बाद आप मेन आंसर पर आइए। अब ये क्या होता है कि क्वेश्चन क्वेश्चन पैटर्न पे डिपेंड करता है, कभी क्या होता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इसको एक्सप्लेन करना है, तो वो आपके पास पूरी छूट होती है आप किस तरीके से उसे अप्रोच करना चाहते हैं। मैं हमेशा हेडिंग में आंसर लिखती थी या पॉइंट बनाकर आंसर लिखती थी, मैं पैराग्राफ में जनरली नहीं लिखती हूँ, मैं पैराग्राफ्स अगर लिखती भी हूँ तो बहुत छोटा, नहीं तो मैं हेडिंग्स ही बनाने की कोशिश करती हूँ जितनी मैं बना सकती हूँ। मैंने ब्लैक ग्लू वाला सिस्टम फॉलो किया था, मगर वो आज सच एसेंशियल नहीं है, आप केवल ग्लू से भी लिख सकते हैं, बहुत सारे बच्चों ने ग्लू से भी लिखा है, सबका सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है। तो आप हेडिंग्स बनाइए, और हेडिंग्स बना सकते हैं तो हेडिंग, नहीं तो आप हाईलाइट कर दीजिए कोई भी इंपॉर्टेंट चीज। मैं इस अप्रोच के साथ लिखती हूँ कि अगर वहां पर कोई इतनी कॉपियां चेक कर रहा है, वो सारी चीजें कॉपी रीड लाइन बाय लाइन रीड कर रहा है, आपका अगर कोई चीज अलग से हाईलाइट हो रहा होगा तो उसको दिख जाएगा कि हाँ आपने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, और उसको इतनी मेहनत नहीं लगेगी। एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में जितना इजी होगा आपको उतने अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो मैं हमेशा हेडिंग बना के हाईलाइट करके लिखती थी, इंट्रो से शुरू करके कंक्लूजन पर खत्म करती थी, और अगर आपका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है, कोई प्रॉब्लम आई है कि आपको उसको बताना है कि उसमें कोई गिल्टी होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें, तो इसमें मैं ऐसा मेथड फॉलो करती थी कि पहले मैं एक इशू बनाती थी कि गिल्टी होगा कि नहीं, फिर मैं उस रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ लिखती थी कि किस लॉ से रिलेटेड वो प्रॉब्लम है, उसके बाद उस लॉ को किस तरीके से मैं अपने उस प्रॉब्लम पे क्या कर सकती हूँ, अप्लाई कर सकती हूँ, एनालाइज करती थी कि वो लॉ इस पे कैसे एप्लीकेबल है, और एंड में कंक्लूजन लिख देती थी कि वो गिल्टी होगा कि नहीं। तो ये वाला पैटर्न फॉलो करके मैंने प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को अप्रोच किया, तो ये चीज भी काफी हेल्पफुल रहती है। इससे क्या रहता है कि आप पूरा वहाँ पे जितना स्पेस दिया रहता है आप कवर कर लेते हो, और वो काफी डिमार्केटेड वे में अच्छे से दिख रहा होता है कि आपने ये लॉ लगाया है, इस तरीके से प्रॉब्लम को एनालाइज किया और ये कंक्लूजन। ओवरऑल पैटर्न ऐसा है। बाकी अगर आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, स्पेस है, तो फ्लो चार्ट से आंसर को इजीली समझा देना चाहिए, वो ज्यादा इजी रहता है। मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने हेल्पफुल रहते हैं, या आपने कैसे से फॉलो किया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक सबसे बड़ा अगर सोर्स देखा जाए तो वही है, आपको क्या पढ़ना है, किस जगह से सवाल ज्यादा आते हैं। जैसे अगर आप अपने हमारे पेपर में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत मेजर रूल है, वो 50 मार्क्स का मैंडेटरी रहता है मीन्स, और उसमें सबसे ज्यादा सवाल फंडामेंटल राइट्स के पोर्शन से ही आते हैं, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरे पैटर्न से भी सवाल आते हैं लेकिन फंडामेंटल राइट्स एक बहुत मेजर रूल है। तो वो आपको कैसे पता चला, आप पास ईयर पढ़ रहे हो, देख रहे हो कि किस सेक्शन से सबसे ज्यादा आ रहा है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स सारे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे क्योंकि उससे सवाल आ ही रहे हैं। तो पास्ट ईयर पेपर्स ने तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे हैं, क्योंकि जैसे क्या होता है कोई बहुत मेन स्ट्रीम चीज है, आप सारे मेजर लॉस पढ़ रहे हैं, आपने सारी चीजें पढ़ ली, लेकिन कभी कभी क्या होता है पास्ट ईयर में कुछ कुछ सेट ऑफ पोर्शंस ऐसे होते हैं जो आप नॉर्मली नहीं पढ़ते लेकिन उससे सवाल उस पेपर में आते हैं, जैसे कुछ है यूपी में कुछ जगहों से सवाल आते हैं, उसमें एमपी राजस्थान में नहीं आते थे तो मैंने नहीं पढ़े थे, लेकिन जब मैंने यूपी के पेपर्स को एनालाइज किया तो वो चीज मुझे पढ़नी पड़ी। तो पास्ट ईयर पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट, आंसर रिपीट हो जाए तो इससे अच्छी बात तो कोई है नहीं कि आपने प्रिपेयर किया होगा, लेकिन आंसर नहीं भी रिपीट होता है तो पास्ट ईयर की हेल्प से आप सही डायरेक्शन में पढ़ते हो, उस पोर्शन से पढ़ते हो जहां से सवाल फंस सकता है। हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आप बताना चाहोगे, जो आपको लगता है कि जरूरी है या आगे एग्जाम्स में जरूर आ सकता है? ये बताना तो काफी डिफिकल्ट है,
लेकिन मैं मुझे लगता है कि मेजर गलती जैसे कहीं कहीं पर रहती है, जैसे सीपीसी में बहुत ज्यादा गलत होता है कि सीपीसी बहुत वास्ट है, आपको नहीं समझ में आता क्या पढ़ना है, मुझे कौन से ऑर्डर्स छोड़ने हैं कौन से ऑर्डर्स। सीपीसी एक ऐसी बेर आप है जो मैंने भी कवर टू कवर नहीं पढ़ी क्योंकि वो इतनी ज्यादा है, उसको पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं था। मैं तो आप उसमें ये चीज रख सकते हो कि आप सेक्शन सारे पढ़ लो लेकिन ऑर्डर्स कुछ स्पेसिफिक ही पढ़ने रहते हैं, इंपॉर्टेंट जो ऑर्डर्स होते हैं, तो उन चीज में उस चीज के लिए भी मुझे लगता है कि आप पास्ट ईयर देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे आप सारे बेसिक ऑर्डर्स पढ़ते हैं लेकिन यूपी में क्या होता है, ऑर्डर 15 भी आया है एक बार, उसके बाद एक फैमिली वाला ऑर्डर है वो भी आया है, इशूज फ्रेमिंग वाला ऑर्डर भी आया है, तो काफी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स उन्होंने अप्रोच किए हैं। तो पास्ट ईयर में जितने ऑर्डर्स इस तरीके के थे वो भी मैंने पढ़े, मैं सारे पढ़ के गई थी ताकि अगर फिर से वो लोग ऐसा कोई ऑर्डर दे दें तो आप कर पाए अप्रोच। बाकी स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंट बताना तो बहुत मुश्किल है, पास्ट ईयर को रेफर करिए, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कौन सा पोर्शन इम्पोर्टेंट जी मैम, जिन क्वेश्चंस को आप प्रिया मेंस के एग्जाम्स में नहीं आ रहे थे आपको, तो मैम आप उस सिचुएशन को कैसे मैनेज किया, आपने बस वो गेस मार्क किया या फिर स्किप करना पसंद किया? देखो ये तो हमेशा रहेगा कि पेपर में सवाल ऐसे होंगे जो नहीं आते, आप कभी भी ऐसा नहीं होता कह रहे पेपर देखा वाह मुझे सब आता है। तो प्री के लिए भाई मैं कह रही हूँ कि नेगेटिव मार्किंग थी, अगर आप अपना एक लिमिटेड सोर्स रखेंगे उसको बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे तो उससे रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो वहां आपका गलत नहीं होगा। अगर आप बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ते हैं तो जनरली क्या होता है, आपने सवाल पढ़ा होता है पेपर में देख के आपको ये याद आता है अरे हाँ ये मैंने पढ़ा है, लेकिन आपको आंसर नहीं आता क्योंकि आपने इतने सारे सोर्सेज पढ़े। मैं हमेशा एक किताब को इतना रिपीटेडली लगाने के लिए इसीलिए कह रही हूँ वहां पर डाउट ना आए। नेगेटिव मार्किंग के पेपर में आपके ऊपर मेंटली ऐसा प्रेशर होता है कि आपको आता हुआ सवाल भी नहीं आने लगता, आपको डाउट आ जाता है अरे ये वाला था या ये वाला, और फिर आप अप्रोच नहीं कर पाते। तो वही है कि आप एक बुक को इतना ज्यादा बार रिवाइज करिए कि ये वाली डाउट वाली सिचुएशन ना आए। और अगर जैसे मुझे कोई सवाल नहीं आता है तो मैं उसमें थोड़ा सा भैया कि आप एक इंटेलिजेंट गेस लगाने की कोशिश करते हैं कि 50-50 की सिचुएशन है कि आप दो आंसर डिडक्ट कर सकते हैं कि ये दोनों तो नहीं है, फिर आप गेस लगा दीजिए। लेकिन अगर चारों ऑप्शंस में से आपको नहीं आ रहा है नेगेटिव मार्किंग पेपर में उसे छोड़ देना। इस पेपर में यही अप्रोच ठीक रहती है। बाकी जैसे डिफरेंट स्टेट के पेपर्स में जैसे हरियाणा का पेपर अगर आप प्री देंगे तो वहां पर क्या होता है कि आपको मार्क्स एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मिलते हैं और नेगेटिव मार्किंग उसके कंपैरिजन में बहुत कम होती है, वहां पर आप गेस वर्क खेल सकते हो कि आप गेस लगा दो, क्योंकि अगर सही हो गया तो आपके ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे और गलत हो गया तो कम मार्क्स जाएंगे। लेकिन यूपी में आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आपको कोई इंटेलिजेंट गेस भी नहीं आ रहा है तो अप्रोच मत करिए, उसको मत लगाइए। मैं भी सेट पैटर्न के साथ गई थी कि मेरा मुझे पता था मेरा जीके स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैंने जीएस बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है लेकिन लॉ मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इस अप्रोच से गई थी जीएस में अगर मैं 60 से 70 सवाल भी वहां पर मैं ठीक कर ले रही हूँ तो मैं उसके आगे फालतू के गेसेस नहीं लगाऊंगी। मैंने पहली बार जब पेपर पूरा रीड किया था तो शायद अराउंड 50 क्वेश्चंस मैंने मार्क कर लिए थे जो मुझे आते थे, फिर मैंने सेकेंड राउंड में थोड़ा लगाया क्योंकि मुझे लगा था मुझे 70 तक तो करने हैं, तो फिर मैंने इंटेलिजेंट गेसेस लगाए। लेकिन जहां मेरे पास एक बार 65 तक मेरे आंसर्स हो गए उसके बाद मैंने अप्रोच नहीं किया, मैंने आगे ज्यादा लगाने की कोशिश नहीं की क्योंकि पता चले कि नेगेटिव मार्किंग में गड़बड़ होता है। तो मैं इस तरीके से ही गई थी, मेरा लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग था और जीके में मैं 70 की अप्रोच लेके गई थी कि मुझे 70 क्वेश्चन करके आने हैं, उससे ज्यादा अगर मुझे 70 तक आ गए तो मैं आगे गेस नहीं करूंगी। तो आप ये अपना पैटर्न सेट कर सकते हो, लेकिन वही है कि अगर आपको नहीं आ रहा हो तो अप्रोच मत करिए। मेंस में ये रहता है कि मेंस में इसमें चॉइस बहुत होती है कि आपके पास मैं इस बार के पेपर में यही हुआ था कि सब्सटेंटिव लॉ के पेपर में क्या रहता है कि अगर कोई एक क्वेश्चन है उसके अंदर दो तीन सब हेड्स हैं तो वो अगर एक क्वेश्चन पहला क्वेश्चन उसका पार्टनरशिप है जैसे, तो उसके सब हेड्स भी सारे पार्टनरशिप के ही होते थे। तो इस तरीके से बच्चे क्या करते थे कि अगर 11 लॉज पूरे सब्सटेंटिव में आते हैं तो उसमें से चूज कर लेते थे कि हम ये 10 पढ़ेंगे या हम ये 11वां नहीं पढ़ेंगे या हम ये 9 पढ़ेंगे हम ये 2 नहीं पढ़ेंगे। वो चीज हमारे पेपर में नहीं हो पाई क्योंकि इन्होंने क्या करे थे सब क्वेश्चन के सब पार्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट लॉज का दे दिया था कि एक पार्टनरशिप का है, सेकंड क्वेश्चन डॉट का है, थर्ड क्वेश्चन इजमेंट का है। तो अब अगर किसी बच्चे ने कोई लॉ नहीं पढ़ा होगा तो उसके लिए चॉइस करने में बहुत मुश्किल हुआ होगा क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ मिक्स क्वेश्चन। तो मैंने तो खैर सारे लॉज पढ़े थे, मैंने ये चीज नहीं रखी थी तो मुझे इस चीज में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। और आप जब एक बार सारे आर्क्स का या सारे लॉस का थोड़ा ओवरऑल आइडिया लेके जाते हो तो वहां पर आंसर को अप्रोच तो कर ही सकते हो। तो ऐसा था मेंस में, मुझे भी आंसर नहीं आता था लेकिन इतना भी खाली नहीं था कि मैं नहीं लिख पाऊंगी तो मैंने अप्रोच किया। मेंस में आपको अप्रोच रखनी चाहिए कि आप पेपर मत छोड़ो, पूरा 1000 मार्क्स का पेपर है आप पूरा अटेम्प्ट करो, आपको कुछ आता होगा उससे मिलता जुलता कुछ आता होगा, लिख के आओ वहां पर कुछ भी लिखना मतलब वहां पे आपको आंसर नहीं छोड़ना चाहिए। और इंटरव्यू में इसकी जस्ट उल्टी ऑपोजिट रखनी चाहिए, अगर आपको सवाल नहीं आता है तो फालतू का कुछ भी मत बोलो, आप चुप रहो या कह दो कि मुझे नहीं आता। लेकिन मेंस में अगर आपको नहीं भी आता है तो भी अगर आपको कुछ आता हो तो आपको लिख के आओ।
ओवरऑल इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस था? जैसे आपने भी बताया कि नहीं आ रहे क्वेश्चंस तो मत आंसर करो, तो ओवरऑल आपका इंटरव्यू में क्या एक्सपीरियंस था? इंटरव्यू का, मैं अपने इंटरव्यू रूम से निकली थी और मैं रो रही थी कि मेरा बहुत खराब इंटरव्यू हुआ है। बाहर सब फोटो के जाते हैं ना वो आयोग में, वहाँ फोटो के जाने के समय में मैं इतना रोई हुई थी, लेकिन मुझे लगा कि फोटो तो क्लिक करा लेते हैं यहाँ पर आए। लेकिन वही चीज है कि मैं इंटरव्यू रूम से निकली थी तो मैं बहुत, मतलब मुझे लग रहा था मेरा गड़बड़ हो गया। एक्चुअली मेरा इंटरव्यू 10 से 12 मिनट चला था और बहुत उन्होंने पेपर के रिलेटेड लॉज मुझसे नहीं पूछे थे, मुझसे थोड़ा जीके जीएस और जनरल क्वेश्चन ज्यादा किए गए थे। मगर मैं इंटरव्यू के लिए एक ही चीज कहती हूँ कि हमको भी, जैसे मैंने तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में मॉक्स दिए थे तो मुझे यही मिला था कि आपको कॉन्फिडेंट रहना ज्यादा जरूरी है। आप कॉन्फिडेंट आप दिखाइए कि अगर, और मैं भी यही कहती हूँ कि अगर आपने मेंस क्लियर किया है यानी आपको लॉ आता है, उस चीज पे विश्वास रखिए, मेंस क्लियर किया है लॉ आता है। जब आप अंदर से कॉन्फिडेंट रहोगे ना कि मुझे लॉ आता है, वहां पर आपको लॉ आएगा। वहां पे जनरली कोई माहौल ऐसा नहीं होता कि बहुत भयानक माहौल बना के रखा है, बहुत लोग नॉर्मल होते हैं, वो आपको कंफर्टेबल करा देते हैं कि आप ऐसे समझ लीजिए कि लॉ का डिस्कशन होना है बस, और कुछ नहीं होना। अगर आप जितना इजी तरीके से इसको पहले मेंटली लोगे कि हाँ बस वहाँ पर लॉ का डिस्कशन होना है, मैंने मेंस क्लियर किया है, मुझे लॉ आता है, तो वहां पर आप पैनिक नहीं करोगे। और जब आप पैनिक नहीं करोगे, आधा इंटरव्यू तो उसमें ही हो जाता है कि हाँ बस मैंने पैनिक नहीं किया, मुझे आंसर नहीं आया, बोल दो कि मुझे नहीं आया। आप अगर आंसर घुमाओगे वो पकड़ लेंगे, आपके मार्क्स कटेंगे। आपको नहीं आया बोल दो मुझे नहीं आता, वो चीज उनको वो है कि हाँ ठीक है भाई नहीं आता, मान रहा है कि नहीं आता, तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि आप इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोले, कौन सी लैंग्वेज में बोले, तो इंग्लिश बोलना सबके लिए उतना वो नहीं होता। मेरे साथ भी थोड़ा सा इंग्लिश का इशू था, लेकिन ये है कि वहां पर ये होता है कि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप वो लैंग्वेज में आंसर करो, भले उन्होंने इंग्लिश में सवाल पूछा आप हिंदी में जवाब दो, आप जिसमें समझा पाओ। बस उनको ये समझ में आना चाहिए ना कि आपको आंसर आता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, दोनों लैंग्वेज आती है, तो जिस लैंग्वेज में सवाल पूछा गया हो, इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो इंग्लिश में बता दो, हिंदी में पूछ रहे हैं तो हिंदी में बता दो, तो ये चीज रहती है। तो बस इंटरव्यू के लिए ये है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ये लेके चलना है कि आपको आता है, और दूसरा जितना आप काम कंपोज रहेंगे उतने अच्छे से आप आंसर करेंगे। नहीं आता है बोल दो कि नहीं आता, घुमाने की जरूरत एकदम भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वो आपके पॉजिटिव में ही जाता है। जी मैम, जैसा कि मैम आपने बताया कि आपने एमपी का भी दिया तो मैम आपका सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ, तो मैम आपने और ऐसी कौन सी ऐसी फेलियर्स फेस की जिसके बाद आपने खुद को कैसे मोटिवेटेड रखा? जैसे मैंने कहा ना कि मैं स्टूडियस थी, हमेशा से पढ़ रही हूँ, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, स्कूल में आ रहे हैं, कॉलेज में आ रहे हैं, तो ऐसे बहुत फेलियर वाली सिचुएशन मैंने कभी देखी नहीं थी। जब एमपी का पेपर भी हुआ, मेरा पहला पेपर था, वो मैंने प्री निकाला निकल गया, मेंस निकाला निकल गया, इंटरव्यू में आ गई, तो मुझे वो वही मैंने कहा मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि अरे हो जाएगा। जब इंटरव्यू में नहीं हुआ तो सिचुएशन को डील करना इससे कि आपको एग्जाम में नहीं हुआ है, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है वो मेरे लाइफ का पहला फेलियर जैसा था कि मेरा नहीं हुआ, आप कोई चीज नहीं कर पाए, तो वो बहुत डिफिकल्ट थी। मुझे याद है कि जब एमपी का रिजल्ट आया था 24th of May था उस समय पर, मतलब उस समय रिजल्ट आया है, उसके थोड़े दिन बाद मेरा राजस्थान का मेंस लगा था, और उस चीज से इतना डीमोटिवेटेड थी कि मुझे लग रहा था मुझे राजस्थान जाना ही नहीं है, मुझे लिख के ही नहीं आना मेंस। तब भी यही हुआ कि लोगों ने मोटिवेट किया कि लिखाओ, कुछ नहीं करना है, कुछ पढ़ो मत, बस लिखाओ, तो फिर मैं लिखने गई। लेकिन उस समय की सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट थी कि आपको फेलियर को हैंडल करना पता है बहुत मुश्किल होता है। अभी भी जैसे ये रिजल्ट आ गया है, बहुत सारे मेरे जूनियर्स हैं, मेरे साथ वाले हैं, लोगों का नहीं हुआ, वो भी अगर कोई मुझे फोन करता है तो मैं सबसे पहले उनसे बात करती हूँ कि नहीं वो सिचुएशन डील करना बहुत मुश्किल है कि आपके साथ वालों का हो गया, आपका नहीं हुआ, आप कहीं पे, आप पूरी मेहनत दे रहे थे। उस समय पे मुझे लगता है वही वाली बात है कि स्टार्टिंग में तो हम लोगों ने ब्रेक ले लिया था, राजस्थान का मेंस लिखने के बाद ब्रेक ले लिया था कि कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं, आप अपने आप, मेरा ये तरीका था कि मैंने पहले ब्रेक लिया अपने आप को ये चीज समझाने में कि हाँ भाई नहीं हुआ है, वो चीज बहुत मुश्किल होती है। लेकिन जब आप एक बार मेंटली थोड़ा स्टेबल हो जाओ, उसके बाद आप पेपर देख कर, जैसे एमपी में मार्क्स उन्होंने बता दिए थे कुछ समय बाद जब रिजल्ट आ गया था, तो आप उन मार्क्स को देख के एनालाइज कर सकते हो कि आपके पेपर में क्या गलतियां रही, तो आप उस चीज पर काम करो, एनालाइज करो, अपनी कॉपी निकलवा के आप देख लो कि आपने कैसा लिखा, कैसे मार्क्स मिले आपको, बस जिस जगह पर अपने लूप होल्स जो भी समझ में आए कि क्या रह गए थे, उन चीज को अप्रोच करके नेक्स्ट पेपर में वो चीज नहीं करनी, ये चीज ध्यान रखनी। फेलियर से डील करने का वही है, सबका अपना कोपिंग मैकेनिज्म होता है। मुझे लगता है कि फेलियर के बाद आपको सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा आ जाता है कि मैं केपेबल हूँ कि नहीं, तो वो चीज आप हैंडल करने के लिए, मतलब मेरे साथ ये था कि मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश करती थी, तो मैं पॉजिटिव रहने के लिए सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ती थी, मंडला आर्ट करती थी, जिस जिस चीज से मुझे सूदिंग लगी वो चीज आपको अप्रोच करनी चाहिए, और अपने आप को टाइम देना चाहिए उससे रिकवर होने के लिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल पढ़ने लग गए फिर से पढ़ने लग गए, आप टाइम ले लीजिए, मत पढ़िए, आपका मन ही नहीं लगेगा, आप एक बार टाइम लेके अपने आप को रिकवर कर लीजिए फिर आप पढ़िए। जी
अगर मैम आपका सिलेक्शन ना हुआ होता तो मैम आप तब क्या करते उस सिचुएशन में? जैसे कि भाई है कि अब एमपी में नहीं हुआ था, फिर राजस्थान में नहीं हुआ, जब राजस्थान में नहीं हुआ था तब फिर ये था कि एक फेलियर मैं एक बड़ा फेलियर देख चुकी थी, तो उस समय पे उतनी डिफिकल्टी नहीं हुई थी, मगर ये लगने लगा था कि मतलब पता नहीं एग्जाम निकलेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं तो दिक्कत रह जा रही है। यूपी में आप मान के चलिए कि ये था हमेशा से था कि नहीं हुआ वाली चीज आपको कंसिडर करनी पड़ती है। अब मेरे साथ ये था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं 3 साल से पढ़ रही हूँ, अब मैं इसके आगे पढ़ नहीं पाऊंगी, अगर मेरा नहीं हुआ तो शायद मैं ये जुडिशरी वाली चीज छोड़कर कुछ और करने का ट्राई करती, क्योंकि प्लान बी पे काम करना शुरू करती। क्योंकि ये अप्रोच काफी सही रहती है कि आप पहले पूरा अपना 100% अपने प्लान ए में दे रहे हैं, लेकिन अगर नहीं होता है तब प्लान बी पे जाएगी। तो वही अप्रोच मैंने भी रखी थी कि अगर यूपी में नहीं होता तो मैं कुछ प्लान बी में आगे परस्यू करने की कोशिश करती। LLM मैंने कम्प्लीट किया हुआ था तो मैं नेट का एग्जाम दे के कुछ इस लाइन में जाने की ट्राई करती, मगर लकीली हो गया है। एक चीज और है कि जब आपको फेलियर मतलब हो जाता है, मैं अभी भी अपनी एक जूनियर से ही कल परसों में बात कर रही थी, तो वो यही कह रही थी कि मैम मेरा एकदम पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने उसे ये चीज बोली थी कि फेलियर के बाद वो जो एक वाली ये वाली फीलिंग होती है ये आपके साथ हमेशा रहेगी। एमपी के बाद वो फीलिंग अंदर आ गई थी और वो जब तक मैंने यूपी का एग्जाम दिया है तब तक वो थी, आपको बस उस फीलिंग के साथ रहने की आदत डालनी पड़ती है कि हाँ मतलब हो गया है, तो वो चीज हमेशा रहेगी। और यूपी में यही है, लकीली हो गया है बस, अब मुझे आगे इस चीज पर नहीं सोचना है, इस चीज से मैं खुश हूँ। मैम क्या एक लड़की होने के नाते सोसाइटी की ऑर्थोडॉक्स और स्टीरियोटाइप सोच होने के कारण क्या कहीं आपको डिफिकल्टी फेस करने को मिला? ये चीज पता है एकदम फैक्ट है, ऐसा होता है। मुझे याद है कि जब मैंने लॉ ही लिया था, मैं 5 साल पर्सी कर रही थी, मेरी दादी मुझे कहती थी जो लड़कियां वकील बन जाती हैं उनसे शादी कोई नहीं करता, तो मैंने कहा ठीक है कोई शादी नहीं करेगा, मतलब ये सारी चीजें काफी रहती हैं। बाकी जैसे कहा जाता है कि मतलब अब आगे मुझे लगता है कि जैसे जुडिशियल ऑफिसर बनने के बाद भी आपको एज बीइंग अ वुमन थोड़े चैलेंजेस को देखने ही पड़ेंगे, तो वो आपको देखने ही पड़ते हैं, आपको सोचने पड़ते हैं। बाकी एग्जाम में आज ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम में तो सारी चीजें न्यूट्रल है, मगर बीइंग अ गर्ल सोसाइटी का बहुत पॉइंट ऑफ व्यू वो रहता है। बाकी अगर जब आप एक बार आपका रिजल्ट आ जाता है ना तो मीम नहीं चलता है कि एकदम से जज्बात बदल गए उबदल गए, वही होता है अभी तक आपको जो लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, अभी वो आके आपको इतनी बधाई दे रहे हैं कि मुझे तो पता ही था कि तुम्हारा हो जाएगा, वो सडन जो चेंज होता है वो आपको देखने को बहुत अच्छे से मिलेगा। जी, तो मैम अब तो आप जस्ट बन गए हो, तो मैम आप जो एज अ जज सिस्टम में या सोसाइटी में क्या चेंज लाना चाहोगे? मुझे ऐसा लगता है इस पोस्ट पे सिविल जज जूनियर डिवीजन की आपकी पोस्ट होगी, आप एज सच लीगल सिस्टम में मुझे लगता है मैं बहुत कोई बड़ा चेंज कर सकती हूँ, लेकिन जो भी पोस्ट है उस पे रह के मुझे सबसे पहली तो बात यही है कि आप बीइंग अ वुमेन थोड़ा सा वुमेन प्रॉब्लम्स को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं इन जनरल बीइंग अ वुमेन ही आप उस चीज को समझ सकते हैं, तो उस चीज को मैं उस तरीके से अप्रोच अपनी रखूंगी कि मैं उस लिए हेल्पफुल हो पाऊँ। दूसरा ये चीज हमेशा ही आपसे इंटरव्यू में भी प्रिपेयर करने को बोली जाती है कि डिपेंडेंसी बहुत है लोगों का, जिस जिस से वो हो रहा है विश्वास उठ रहा है क्या कर लेंगे हम लोग इस पोस्ट पर होके, मुझे लगता है बहुत ज्यादा चेंज कर पाएंगे, लेकिन अपने लेवल पे आप क्या कर सकते हो, जो भी गाइडलाइंस हैं जो भी इतने सारे, पता है अगर आप लॉ पढ़ते हो तो आपको पता होता है कि कितनी सारी चीजें हैं, एक्सेस टू जस्टिस जल्दी मिले लोगों को, जल्दी से लोग अवेयर हो जाए, वो सारी चीजें लोगों को नहीं पता होती है, तो वो चीजें हैं तो उनका यूज अच्छे से होना चाहिए। उस चीज पे मैं बहुत काम करूंगी कि मेरी तरफ से मैं उसमें जितना भी पॉजिटिव चेंज ला पाऊँ। एक दूसरी चीज मुझे लगती है कि मुझे अपने लिए भी फील होती है कि लोगों को प्रोसीजर नहीं पता होता है, आपको कोर्ट अप्रोच करना है, अभी मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाए मुझे कोर्ट अप्रोच करना है जाना है तो कैसे करना है, कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, ये सारी चीजें नहीं पता होती, तो अगर मैं आगे इस टाइप में कुछ कर पाऊंगी तो मैं जरूर करूंगी कि लोगों को बेसिक प्रोसीजर पता हो कि उन्हें जाना कैसे है करना कैसे, क्योंकि ये लोगों को नहीं पता, मीन लॉ स्टूडेंट्स को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था अपने कॉलेज डेज में कैसे जाना, क्योंकि मैंने इंटर्नशिप नहीं की थी, अगर कोई मुझसे प्रॉब्लम लेके आ जाए ये चीज हो गई है मुझे केस करना है मैं कैसे करूँ, मुझे नहीं पता था, तो अगर इस तरीके का कोई भी इनिशिएटिव मैं आगे कर पाऊंगी तो मैं जरूर करूंगी। मैम एक आखिरी सवाल मैम, हाउ डू यू फील टुडे विद अस हियर? लाइक आप इस पॉडकास्ट को जाने के, पॉडकास्ट है बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए, इवन मैं भी, यस हम लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए हैं आपसे, सब आपको सुन रहे हैं, तो मैम हाउ डू यू फील टुडे? लाइक मुझे ये चीज बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि जैसे फॉर्मल पॉडकास्ट मैंने मतलब पॉडकास्ट नहीं सोचती, फॉर्मल चीजें मैंने इंटरव्यूज वगैरह दिए वो काफी फॉर्मल रहते हैं, ये चीज इनफॉर्मल होने वाली थी, जब मेरी बात भी हुई थी तो मुझे पता लगा था ये इनफॉर्मल है, तो मैं इस चीज से बहुत खुश थी कि हाँ ठीक है कोई नॉर्मल बेसिक बातें करे जनरल चीजें पूछे, बाकी आप फॉर्मल में बहुत स्पेसिफिकली बैठे होते हैं और वही बातें कर रहे होते हैं, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर मुझे
जब मेरी कॉन्टैक्ट हुआ था तो उन्होंने मुझे बताया कि इसका फाउंडेशन डे है और एक साल हो गया, आप लोग किस तरीके से बच्चों को हेल्प करते हो, ये सारी चीजें भी मैंने पढ़ी, तो मुझे ये चीज काफी अच्छी लगी। ऐसे इनिशिएटिव ज्यादातर लोग नहीं ले पाते हैं, मतलब अगर इनिशिएटिव चल रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं बच्चों को हेल्पफुल हो रहा है, वो चीज बहुत अच्छी है कि अगर आप किसी को भी हेल्प कर पा रहे हैं। और जब आप एस्पिरेंट होते हैं तो 10 तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, 10 तरीके की सिचुएशंस होती हैं। अभी भी जैसे कोई बच्चा मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच करता है कि अगर मैम आप ये बता दें या हेल्प कर दें, मैं बहुत जल्दी रिप्लाई करती हूँ, मैं कर देती हूँ, तो सबसे पहला रिप्लाई मुझे वापस कहता है अरे आपने रिप्लाई कर दिया। वही बच्चों तक पहुंचने का कोई साधन बहुत ज्यादा है नहीं, अगर आप लोग ऐसा मीडियम अवेलेबल करा रहे हो ना तो वो चीज बहुत अच्छी है। मैंने भी अपने एस्पिरेंट्स डे में ये चीज फील की है कि बच्चे नहीं आप कर पाते हैं, अप्रोच नहीं पूछ पाते हैं। तो अगर इस तरीके के इनिशिएटिव होते रहेंगे लोगों तक, मैं अपनी चीजें भी शेयर कर पा रही हूँ, किसी को भी हेल्पफुल हो पाएगी वो चीज, वो बहुत अच्छी है। बेसिकली सबको ही हो रही है। मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। मैम इवन वी आर कि मैम आपसे इतनी इंस्पिरेशन ले रहे हैं, हम बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैम आप वो लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे स्टूडेंट्स को जो पीसीजे की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं? सबसे पहला मैसेज यही है कि पॉजिटिव रहना स्टार्ट करना है, जितना पॉजिटिव रह सकते हैं। अपनी अप्रोच जब आप पॉजिटिव कर लेंगे तो ये जो लॉन्ग जर्नी है ना उसमें ये चीज फील नहीं होगी, आपको फेलियर्स भी मिलेंगे तो भी आप सिचुएशन को अच्छे से डील कर लेंगे। तो एक पॉजिटिव रहिए, अपना वाई सोच लीजिए, फिर इन चीजों के लिए जाइए कि आपका वाई, अगर आपने चूज कर लिया है कि आपको ये करना है तब भी आप अपना वाई ढूंढते रहिए कि आपको क्यों करना है, तब आप पता सही डायरेक्शन में जाओगे, वो वाई हमेशा आपको हेल्प करेगा। एक पॉजिटिव रहना है, अपना वाई ढूंढना है, और कट ऑफ के लिए एम नहीं करना है, हाईएस्ट मार्क्स के लिए एम करना है। हाईएस्ट मार्क्स एम करते करते मुझे लगता है ऐसा मैनिफेस्टेशन हो गया और हाईएस्ट रैंक आ गई, लेकिन हाईएस्ट के लिए एम करना है। BS presents your certificate. Thank you so much, ma'am, for being a true inspiration for all of us. Ma'am, बहुत कुछ सीखने को मिला आज आपसे. Thank you so much for supporting Vidhi Ekta Sangh through this podcast, being a part of this moment. तब जब हमने एक एक ईयर कंप्लीट किया, इट्स अ वेरी बिग मोमेंट फॉर अस, और इसमें आप हमें सपोर्ट किए, इट्स वेरी, मतलब आपने अपना एक प्रीशियस टाइम दिया हमें, अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए मैम थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. Thank you. Lastly, I would like to thank all my audience for being so patient and being a part of this podcast. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Nancy.